हेलो एवरीवन दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है और इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मैग्नेट ब्रेन पे क्लास 11th तो और 12th के लिए साइंस स्ट्रीम की सबसे बेस्ट टीम आपको अवेलेबल है जो कि एक या दो चैप्टर नहीं बेटा आपको 100 परसेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे मैथ्स हो एक से एक धुरंधर टीचर है जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसी मेहनत के सिलसिले में मैं अगर आगे बढ़ू तो आज हम क्या बात करने वाले हैं आप तो देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास ट्वेल्थ आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था क्लास ट्वेल्थ का आज मैं चैप्टर लेके आ रहा हूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसका वन शॉट रिवीजन मैं करवाऊंगा और इसको मैं पार्ट में कराऊंगा बेटा आप ध्यान दीजिएगा मैं यहां पर क्या बात कहूंगा बहुत दिनों से मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही मैं आपके लिए टर्म टू के सारे चैप्टर्स लेके आने वाला हूं और जो डेट मैंने टेंटेटिव आप लोगों को दी थी तब तक मैं कंप्लीट भी कर दूंगा लेकिन पहले मैं वन शॉट रिवीजन और एमसीक्यूज के थ्रू जाऊंगा जिसमें आज हम क्या बात करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है उसकी बात करेंगे ये चैप्टर एनसीआर में काफी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हैं पैराग्राफ दिए और बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है लेकिन मैंने आपके लिए जो नोट्स बनवाए हैं उनको इतने प्रिसाइज तरीके से बनवाया है आप बस उसको फॉलो करिएगा हर पैटर्न को मैंने इतने सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करा है और एन की एक एक लाइन को मैं इतने बढ़िया तरीके से डी करते हुए चलूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जैसे कि हमने पिछले आपने जितने भी मेरे लेक्चर देखे होंगे आपको पता होगा कि भैया वन शॉर्ट रिविजन में भी मैं सारी एनसीआरटी की एक एक चीज कवर करने की कोशिश करता हूँ सेम वही कहानी यहां भी दोहराऊंगा जो विश्वास अपना बना हुआ है उस विश्वास को हम

के आर बी सी और ये फरार हो गए चलो ये पीरियड वन ये पीरियड टू पीरियड थ्री पीरियड फोर दिस इज पीरियड फाइव लॉजिक समझते हुए चलना दिस इज पीरियड सिक्स दिस इज पीरियड सेवन हाउ मेनी पीरियड इन अवर मॉडर्न पीरियड टेबल देयर इज सेवन पीरियड चलिए ग्रुप टू की बात करूं लॉजिक समझ रहे हैं मैंने डी एंड एफ ब्लॉक की पोजीशन नहीं बताई है मैं उन्हीं की पोजीशन बताने की कोशिश कर रहा हूं एकदम बेसिक से जाता हूं आप लोगों को पता है मेरी यही यूएसपी है और मैग्नेट ब्रेन के सारे टीचर्स की यही यूएसपी है कि वो एकदम बेसिक से जाते हैं इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान होगा इधर कौन आएगा बैरेलियम इधर कौन आएगा मैग्नीशियम बेमग केसर और कौन आ जाएगा बारात ठीक है सर आ गया ठीक है सर आ गया कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं सर अब अगर मैं बात करूं जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट होता है कौन होता है जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ठीक है इनका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अपन आने वाले अभी स्लाइड्स में देखेंगे होता है एन माइनस वन डी वन से टेन और एन एस जीरो से टू तक ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आप इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं कि इसमें एन मतलब जो कि अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है क्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है या मैं कहूँ ये किसको बताती है शेल को बताती है शेल को बताती है या किसको बताती है ऑर्बिट को बताती है वो एन माइनस वन और यही पीरियड को भी रिप्रेजेंट करती है पीरियड को भी रिप्रेजेंट करती है वो एन माइनस वन है मतलब लॉजिक क्या है कि अगर मेरा मान लीजिए फोर्थ पीरियड है क्या है फोर्थ पीरियड है हमेशा याद रखिए फोर्थ पीरियड से ही थ्री सीरीज की शुरुआत होती है तो फोर्थ पीरियड है तो एन माइनस एन कितना हुआ फोर हुआ तो एन माइनस वन करा मैंने मतलब यहां पे आएगी थ्री सीरीज कौन सी आएगी थ्री सीरीज और फोर्थ पीरियड से अपनी थ्री सीरीज की शुरुआत होती है और कौन से ग्रुप से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं थर्ड ग्रुप से तो देखिए अपनी ये यहाँ से शुरू हुए यहाँ से शुरू हुए ठीक है और ये कहानी होंगी डी ब्लॉक एलिमेंट की जिसे अपने को पढ़ना है कौन से पीरियड से शुरू हुई फोर्थ पीरियड फोर्थ पीरियड में कौन सी सीरीज आएगी यहाँ आएगी थ्री डी यहाँ कौन आएगी इसके बाद फोर डी यहाँ कौन आएगी फाइव डी यहाँ कौन आएगी सिक्स डी सीरीज आएगी कौन सी सीरीज आएगी सिक्स डी सीरीज आएगी याद रखने वाली बात क्या है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बोलो एन माइनस वन डी वन से टेन मतलब अगर एन आपके पीरियड को या शेल को या ऑर्बिट को या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है अगर आपका बेसिक अच्छा है तो ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हूँ तो इसमें एन माइनस वन डी की फिलिंग होती है समझ आया कौन से डी ऑर्बिटल की फिलिंग होती है एन माइनस वन डी की फिलिंग होती है वन शॉट में भी आपको पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हुए चलना है ठीक है सर समझ आ गया तो इसी बेसिस पे मैंने डी ब्लॉक को कितनी सीरीज में डिवाइड करा है चार सीरीज में डिवाइड करा है कितनी सीरीज में डिवाइड करा है चार सीरीज में एक होती है थ्री डी सीरीज जो कि कहां आएगी फोर्थ पीरियड में दूसरी होगी फोर डी सीरीज तीसरी होगी फाइव डी सीरीज चौथी होगी सिक्स डी सीरीज बोलो क्लियर हो गया यस सर क्लियर हो गया अब समझना जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट इधर और पी ब्लॉक एलिमेंट इधर पी ब्लॉक एलिमेंट इधर किधर पी ब्लॉक एलिमेंट इधर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये ग्रुप थ्री से शुरू होंगे ग्रुप ट्वेल्व तक जाएंगे ग्रुप ट्वेल्व तक जाएंगे और थर्टीन से लेके एटीन तक पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे टोटल एटीन ग्रुप होता है तो समझना जो डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन होती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच की होती है कहाँ होती है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच की होती है इसीलिए इन्हें एक और नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है इन्हें ट्रांजिशनल एलिमेंट भी नाम दिया जाता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन हैव यू एवर हर्ड अबाउट मैं अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं अगर मेरे मदर फादर के मेरे में जीन आए हैं तो मेरी बात सुनिएगा मैं अपने मदर फादर से आया हूं ठीक है ना साइंस एंड हेरिडिटी के बारे में साइंस में हेरिडिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा तो कुछ कैरेक्टर मेरी मदर के होंगे कुछ कैरेक्टर मेरे फादर के होंगे तो समझ रहे हो ना मैं ट्रांजिशन हू उनका सेम ऐसे ही, कोई भी प्रॉपर्टी आप इनकी देखेंगे तो वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की पाई जाती है इसलिए इन्हें एक और नाम क्या दिया जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट नाम दिया जाता है तो क्लियर हो गया अगर हम इसके ओवरव्यू के बारे में बात करें तो भैया डी ब्लॉक एलिमेंट अपने कहा पाए जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट अपने कहा पाए जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट अपने पाए जाते हैं ग्रुप थ्री से लेकर ग्रुप ट्वेल्व ये देखिए मैंने बता दिया ग्रुप थ्री से लेकर ग्रुप ट्वेल्व ठीक है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितना होता है एन माइनस वन डी वन से टेन एन एस जीरो से टू

कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए मैं आपको सिक्स डी सीरीज के बारे में भी नॉलेज दूंगा किसके बारे में नॉलेज दूंगा सिक्स डी सीरीज के बारे में भी नॉलेज दूंगा और सिक्स डी सीरीज में मेनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट आते हैं ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं सब अपन देख लेंगे और डी ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें अपन क्या नाम देते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट नाम देते हैं और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको डी के अंदर से ही बाहर निकाला जाएगा ये पे उनकी पोजीशन होती है लेकिन उनको उठा के नीचे रख दिया जाता है इसलिए वो डी ब्लॉक के बाद अंदर आ रहे हैं इसलिए उन्हें इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट नाम दिया जा रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या क्या नाम दिया जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट रिस्पेक्टिवली पहले इसे नोट डाउन करो बहुत सिंपल सी कहानी है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वादा किया था जल्द से जल्द आपके भैया पूरे वन शॉट में सारी कहानी कंप्लीट करूंगा वो उस वादे को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं जिस मेहनत और ईमानदारी के साथ हमने क्लासेस शुरू करी थी टर्म वन की तैयारी करी थी सेम वही टर्म टू के लिए कर रहे हैं और यही सेम कॉन्सेप्ट अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं वहां भी यूजफुल होंगे सेम कॉन्सेप्ट बस जोश और जुनून के साथ करते हुए चले क्या नोट डाउन कर लिया एकदम परफेक्ट नोट्स है बस इनको नोट डाउन करते हुए चले चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें अपने स्कूल के टर्म एग्जाम की तैयारी करें आप तहलका मचा देंगे

मन करा याद करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूं देख लो शक्ति शक्ति और वकर का पहले ये बना लो फिर वाला पेज देखते शक्ति और वकर का क्या करा मन करा किसको फेंको, फेंको, फेंको किसको फेंको निकुजन नाम के लड़के को फेंक दो निकुजन नाम के लड़के को फेंक दो किसको फेंक दो निकुजन नाम के लड़के को फेंक दो ये अपनी थ्री डी सीरीज है मतलब कौन से पीरियड में होगी जल्दी बता दो कौन से पीरियड में होगी एन इज इक्वल टू फोर पे होगी ये किस पे होगी एन इज इक्वल टू फाइव पे होगी ये किस पे होगी एन इज इक्वल टू सिक्स पे होगी ये किस पे होगी एन इज इक्वल टू सेवन पे होगी बोलो क्लियर हो गया कैसे याद करा थ्री डी सीरीज को शक्ति और वकर का मन करा शक्ति वकर मन किसको फेंको फेंको निकुजन को याद हुआ यस सर एटॉमिक नंबर कहां तक जाती, है? 30 तक जाती है कहां तक जाती है थर्टी तक जाती है दिमाग में तो शुरू होती है और कहां तक जाती है, 30 तक जाती है. ठीक है? 40 को कैसे याद रखें फोर्टी सीरीज को याद रखने का तरीका जैसे एलिमेंट आते हैं याद रखने का तरीका ये लिख लेना भैया मतलब होता है जमीन ठीक है और नब मतलब होता है आसमान कब तक है ये जर नब कब तक है जब तक मोह है संसार से हमको उसके बाद एक बार मर गए ना तो हमारी जो रूह होती है रूह मतलब सोल राहों में पड़ी रहेगी और आगों में सड़ती रहेगी बस ये याद रखने का तरीका है तो ये जर नभ कब तक है ये जमी आसमां मोह तक है मोह तक है ये जर नब मोह तक है उसके बाद रूह मतलब सोल रूह राह पड़ी रहेगी राह पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी और आग में, आग में में सड़ती रहेगी सड़ती रहेगी लिखने का तरीका ही मैंने बदल दिया स्पेलिंग मुझे पता है लेकिन सड़ती रहेगी को सी डी टी आई सड़ती रहेगी तो ये झरना मोह तक रू राह पड़ी आग में सड़ी कहां से कहां तक आता है थर्टी नाइन तक आता है अब मेरी बात सुनना कॉन्सेप्ट सुनना अगर आपको थ्री डी सीरीज में मान लीजिए ये अपना कौन सा ग्रुप है आ, थर्ड ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है ट्वेल्व ग्रुप है कुछ नहीं करना है भैया कर प्लस एटीन कर, कर देना बस इतना याद रखना प्लस एटीन कर देना है चलो आपको मैग्नीज का पता है मैग्नीज का मैग्नीज के नीचे आपको नहीं पता कितना होता है तो आप क्या कर दो एटीन कर देना कितना कर देना प्लस एटीन कर देना कितना आ जाएगा आपका फोर्टी थ्री आ जाएगा फोर्टी थ्री आ जाए सिंपल सी कहानी है मैं यहां आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा यूट्यूब में आप पहली बार देखेंगे किस तरीके से चीजों को याद किया जाता है बेस्ट लेक्चर एवर ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट आप तहलका मचा देंगे मैं आपसे बोल रहा हूं चाहे आप नीट और जेई के क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व करने जा रहे हो आप तहलका मचा देंगे ठीक है सर तो सर प्लस एटीन हम कर देंगे सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जैसे जिंक की आपने बात करी जिंक अगर थर्टी अकेडमी हम आपको नहीं पता आप प्लस एटीन कर देना तो ये कितना हो जाएगा 48 मतलब क्या लॉजिक समझ आया सर ये 39 से शुरू होती है और 48 तक जाती है कहां तक जाती है 48 तक जाती है अब मजेदार बात 5d सीरीज को याद रखने का तरीका 5d सीरीज को याद रखने का तरीका 5d सीरीज को या... तो बोलो ला हफ्ता हाँ, सॉरी इसको बोलेंगे ला ला भैया ला पुलिस वाले हफ्ता मांगते ना ला हफ्ता एक मुस्लिम नाम का बंदा वरी औसर. किस नाम का बंदा है इसे चार एलिमेंट याद होंगे वरी ओसिर एक मुस्लिम नाम का बंदा है ला हफ्ता वरी ओसिर अब हफ्ता नहीं दिया बेचारा रोने लगा मालिक मेरे पास पैसे नहीं है मालिक मेरे पास पैसा नहीं है ला हफ्ता हमने बोले ओसिर तो वो रो, रोने लगा फिर हमने उसे पटाया बोलते ना अरे भाई उसको पटा लो यार थोड़ा पटाटा के मामला आम सलटाओ तो उसे पटाऊ पटाऊ मतलब प्लैटिनम गोल्ड और पटाखे अपन ने हक कर दिया पटाखे अपन ने क्या कर दिया हक कर दिया मजेदार बात क्या है कुछ तो मजेदार बात है चलो ध्यान देना यहां पे मैं थोड़ा ग्रीन ग्रीन थोड़ी कलाकारी कर रहा हूं मेरे को पेंटिंग करना कभी कभार अच्छा लगता है बेटा तुमको मेरी पेंटिंग देखना अच्छा लगेगा क्या यहां मैं पेंटिंग कर रहा हूँ अरे सर केमिस्ट्री पढ़ाओ पेंटिंग मत करो अरे यार बेटा मेरे को आज पेंटिंग करने ना केमिस्ट्री वेमिस्ट्री अपन बहुत पढ़ते हैं आज प्लीज पेंटिंग करने दो मुझे प्लीज चलो मैंने पेंटिंग कर दी ये मैंने पेंटिंग कर दी ठीक है अब मैंने ये को देखा मैंने किसको देखा को देखा चलो सर देखा एलिमेंट गायब हो गए कहा गए बोला डी ब्लॉक के अंदर से ए ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं इसलिए उनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट नाम देते हैं किसको एफ ब्लॉक एलिमेंट को किसको एफ ब्लॉक एलिमेंट को वो बनाने चले गए एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक 58 से लेके 71 तक कहाँ कौन चले गए एफ ब्लॉक एलिमेंट चले गए जिसमें 14 एलिमेंट आएंगे कितने एलिमेंट आएंगे 14 एलिमेंट आएंगे कितने एलिमेंट आएंगे 14 एलिमेंट आएंगे कहाँ से कहाँ तक गए 57 से 71 तो अब जब हैफनियम का एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 72 इसका होगा 73 इसका 74, इसका 75, इसका 76, इसका 77, इसका 78, इसका 79 और इसका कितना हो गया 80 हो गया अब मेरी बात सुनना आपको बोला आपने शक्ति वकरमन फेको निकुजन ये जन्म रूरा पड़ी आग में सड़ी ला हफ्ता वरिया हक। अब किसी ने कह दिया भैया कैडमियम है 48 आप मरकरी का एटॉमिक नंबर बताओ आपको कुछ नहीं करना है जैसे आप 3d सीरीज से फोर में क्या प्लस एटीन करे ना यहाँ पे जाओगे क्या कर देना प्लस 32 कर देना प्लस 32 कर देना तो ये कितना हो जाएगा 48 में 32 करा कितना हो गया 80 हो गया बोलो क्लियर है अब आपसे किसी ने कहा कि भैया मैग्नीज का पता है टेक्नीशियम का पता है रिहिनियम का पता कर दो प्लस 32 कर देना आपका कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा बहुत सिंपल सी कहानी, नोट डाउन कर लेना आप तहलका मचा देंगे क्या मचा देंगे तहलका मचा देंगे लेंथेनम के बाद अपने 14 एलिमेंट जो कि एफ ब्लॉक की, की लेंथेनॉइड सीरीज बनाने गए क्या बनाने का नोइ सीरीज बनाने गए कहां से कहां तक आएंगे 58 से 71 तक आएंगे कहां से कहां तक आएंगे 58 से 71 तक आएंगे बोलो क्लियर है यस सर क्लियर है बोलो क्लियर है यस सर क्लियर है अब बात करू मैं किसकी एक्टिनियम की, की. किसकी बात करूं एक्टिनियम की बात करूं चलो भैया एक्टिनियम की बात करूं एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है भैया जिसका एटॉमिक नंबर है एट्टी नाइन में यहां भी थोड़ा थोड़ा कलर पेंटिंग कर देता हूं सर मुझे अच्छा लग रहा है आज पेंटिंग करना चलो मैंने यहां पेंटिंग कर दी अब समझना क्यों पेंटिंग करी क्योंकि मैं बोल रहा हूं एट्टी नाइन के बाद फिर से फोर्टीन एलिमेंट गायब हुए 90 से लेके वन जीरो थ्री तक और क्या बनाए बना है अब अगर वन जीरो थ्री तक गायब होगा तो ये वन ज़ीरो फोर होगा ये वन जीरो फ़ाइव होगा ये वन जीरो सिक्स होगा ये वन जीरो सेवन होगा ये वन जीरो एट होगा ये वन जीरो नाइन होगा ये वन जीरो टेन होगा वन वन टेन होगा ये वन वन होगा ये वन वन टू होगा बोलो क्लियर है बोलो क्लियर है सर इसको कैसे याद रखें बेटा इसी पे नीट 2020 में क्वेश्चन आया था इनके नाम पे लेके क्वेश्चन जब करूंगा मैं 100 हंड्रेड की सीरीज बताऊंगा तब वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा समझना कैसे आया था तो इसको याद रखने का तरीका पहले तो अपना अपने घर में ए होता है एसी होता है ना ए होता है एसी एक रफ डब्बे में आता है तो हम बोलते हैं ए रफ की स्पेलिंग मेरे को पता है लेकिन मैं आर यू एफ रफ लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए रदर फोर्डियम ए रफ डब्बे अब्बा डब्बा चब्बा अब्बा डब्बा चब्बा देखिए होगी ना कौन सी मूवी थी चुपके चुपके शायद देखिए नाइट right? अब्बा डब्बा चब्बा उसी में बोलता है घूंगे होने का नाटक करता करीना कपूर रहती है अरे याद आ रही है मूवी चलो मूवी याद नहीं आ रही हो तो एसी रफ डब्बे जरूर याद रखना संग तेरे मैं संग संग हां सी बोर जी हम संग संग एसी रफ डब्बे संग बहस बहस मत कर बहस मत कर बहस मत कर कर से कुछ भी नहीं है नहीं तो तेरे जो दस रंग के इसी आ रहे हो ना नहीं तो तेरे दस रंग दस रंग रॉन्डजियम हो गया दस रंग कैंसिल कर देंगे वाह ए सी रफ डब्बे संग बहस मत कर नहीं तो तेरे दस रंग कैंसिल कर देंगे बोलो क्लियर हो गया बोलो क्लियर हो गया अब अगर क्लियर हो गया आपको थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज फाइव डी सीरीज सिक्स डी सीरीज को याद करने का तरीका सीख गए याद करने का तरीका सीख गए इनका एटॉमिक नंबर सीख गए क्या सीख गए इनका एटॉमिक नंबर सीख गए तो अब कहानी में मैं ये कहता हूँ अब मैं कहानी में ये कहता हूँ पहले इसे नोट डाउन करना बाद में पिछली कहानी पे जाएंगे जो जिंक है जो कैडमियम है जो मरकरी है मैंने क्या कहा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का कितना होता है एन माइनस वन डी वन से टेन और एन एस जीरो से टू ठीक है अब डी ब्लॉक के एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होते हैं जैसे मेटेलिक कैरेक्टर शो करना वेरिएबल वैलेंसी शो करना सुनना डी ब्लॉक एलिमेंट बड़े ही डायनामिक हैं ऐसे बोलो मेरे संग बोलो क्या है बड़े ही डायनामिक है मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं जैसे मुझे आप देखोगे मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ वॉलीबॉल वौल भी खेल सकता हूँ मैंने कहा कि भैया मैं हॉकी भी खेल सकता हूँ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी शो कर रहे हो क्या बात है सर जलवे हैं आपके तो ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट के भी जलवे हैं ग्रुप वन की बात करोगे प्लस वन वैलेंसी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप टू की बात करोगे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ये बोलते हैं देख भाई अपने पास एन माइनस वन डी में एन एस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है चिंता लाक करने की बात नहीं है अपने पास एन माइनस वन डी में एक से दस और जीरो से बहुत है। मैं कंपाउंड बनाऊंगा फलाना करूंगा ढिमका करूंगा लेकिन जैसे मरकरी की बात आती है बेचारे चुप बेचारे चुप चुप क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों कब हुआ जानू ना मैं जानू ना थ्री डी टेन इधर देखना कैडमियम को देखना फोर डी टेन वाह 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 इसको देखना फाइव डी टेन वाह वाह फुलफिल, वा, सब फुलफिल तो वेरिएबल बैलेंसी बात करने की बात आती है तो नहीं करते वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते जिंक कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं या ट्रांजिशनल मेटल कंसीडर नहीं करते हैं इनको तो सिर्फ यहां पे इसीलिए रखा गया है ताकि हम रैशनल क्लासिफिकेशन डी ऑरबाइटल में मैक्सिमम दस इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं डी ऑरबाइटल में मैक्सिमम दस इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बाकी लोगों से ये अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं इनको बस रखा इसलिए गया है ताकि हम रैशनल रैशनल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर सकें क्या कंप्लीट कर सके रैशनल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर सके हमारे घर में अगर पांच कमरे हैं तो हम ये बोलते हैं कि भैया है, हम घर में अगर चार मेंबर हैं तो बोलते हैं कि यार पांचवा कमरा खाली हो रहा है तो हमने हम आ, कि, किसी मे, आ, मेट को रख दिया जो हमारे घर की नहीं है लेकिन बस हमको उस कमरे को कंप्लीट करना था इसलिए हमने उस मेट को घर में पन्ना दे दी समझ आया समझ आया लॉजिक प्लीज पहले से नोट डाउन करें प्लीज पहले से नोट डाउन करें पहले इसे नोट डाउन करें बोलो क्लियर हुई कहानी बोलो क्लियर हो गई कहानी अगर इसे नोट डाउन कर लिया तो चलो नोट डाउन करा तो उस क्वेश्चन पे आते एक एक कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लेना बेटा तहलका मचा देंगे हम कॉन्फिडेंस ऐसा जनरेट करेंगे कोई टक्कर नहीं दे पाए यार अपने को कोई टक्कर ना दे पाए बस जल्दी चलो अब अगर क्लियर है तो इस कहानी पे आते हैं वापस ठीक है जिंक कैडमियम एंड मरकरी जिंक कैडमियम एंड मरकरी ठीक है

मरकरी की बात करूं मरकरी की बात करूं थ्री डी फोर्टी फाइव डी टेन फाइव डी टेन सिक्स एस टू सिक्स एस टू यह पाया जा रहा है अब अगर मैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं चल दो हटा दे जिंक प्लस टू की भी बात करूं तो उसमें थ्री डी टेन पाया जा रहा है मैं कैडमियम प्लस टू की भी बात करूं तो उसमें भी फोर डी टेन पाया जा रहा है और अगर मैं मरकरी मरकरी प्लस टू की भी, भी बात करूं तो उसमें भी फाइव डी टेन पाया जा रहा है चाहे मैं जिंक की और uh, चाहे मैं उनके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं चाहे मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं मैं सिर्फ एक ही बात देखूंगा कि उनमें डी टेन पाया जा रहा है और वो वेरिएबल वेलेंसी या डी ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टी और सॉरी ट्रांजिशनल मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो शो नहीं करते हैं इसलिए उन्हें हम आर नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशनल एलिमेंट इसलिए उन्हें हम ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं मानते हैं क्या नहीं मानते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं मानते हैं बोलो क्लियर हो गया जिंक कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशनल मेटल की कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं क्योंकि उनमें डी टेन फुली फिल है चाहे ग्राउंड स्टेट में देखो चाहे उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो इसीलिए उन्हें हम क्या नहीं मानते हैं उन्हें हम ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं मानते हैं या ट्रांजिशनल मेटल नहीं मानते हैं प्लीज इसे नोट डाउन करें कर लिया नोट डाउन इसे बढ़ाऊं कहानी को आगे बढ़ा दूं कहानी को आगे चलो अगर नोट डाउन करा तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं और मन की बात बताता हूं कहानी को आगे बढ़ाता हूं और मन की बात बताता हूं मन की बात यह है मन की बात यह है मेरे अब मैं एब ब्लॉक एलिमेंट पे आता हूं ठीक है चलो सर हमें इतना पढ़ने के बाद हमको पता चल गया जिंक कैडमियम और मरकरी जिंक कैडमियम और मरकरी को हम डी ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं करते अब मैं एब ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं उसके बाद मैं स्पेसिफिकली पूरी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पे आऊंगा अब एब ब्लॉक की बात करें चलो उसके लिए पहले यहां आना लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 था और एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 था इसके बाद 14 एलिमेंट जिन्होंने लैंथेनॉइड बनाया और इसके बाद 14 एलिमेंट जिन्होंने एक्टिनॉइड बनाया उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो क्या आप तैयार हैं अरे बोल दो ना बोल दो ना जरा क्या आप तैयार हैं दिल में जो है छुपा मैं कभी किसी से कहूंगा नहीं क्योंकि मैं यहां तू वहां जिंदगी है का थोड़ा इंजॉय करके पढ़ो यार इतना बोरिंग बोरिंग नहीं पढ़ते हैं अपन अपन पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं हैं तो मजे के साथ पढ़ते ठीक है इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या, बोलो क्या, कहते, थे? बोलो ना क्या कहते, थे? कहते थे चल बेटा तुम कौन सी सीरीज हो मालिक मैं हूं। चल ठीक है भैया मालिक तुम कौन सी हो मालिक मैं मा ठीक है रे मेरे बच्चों को याद होना चाहिए ठीक है ना ऐसे पढ़ाओ अनुराग सर ठीक है ठीक है तुम सारे बच्चों को याद होगा चिंता ना करो सारे बच्चों को सबको मिलेगा ज्ञान सबको मिलेगा ज्ञान चलो रे भैया तुम कितने थे अब देखा था ना तुमको मालिक मैं फिफ्टी था ठीक है ठीक है सीरियम तुम फिफ्टी हो जाओ प्रेसियोडी नाइन नाइन नाइनटी कहां से रे 60. सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी और ये सेवेंटी वन ठीक है कहाँ से कहाँ लेंथेनॉड जाते हैं जल्दी बोलो जल्दी बोलो लेंथेनॉइड जाते हैं हमेशा फिफ्टी एट से सेवेंटी वन कहाँ से कहाँ जाते हैं फिफ्टी एट से सेवनटी वन ठीक है चलो जैसे एक्टिनियम जिसके बाद एक्टीनॉयड आया था एक्टिनियम जिसके बाद एक्टीनॉय आया था जिसका एटॉमिक नंबर एट्टी नाइन था तो भैया इसके बाद ध्यान देना इसका कितना होगा नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन हंड्रेड वन जीरो वन वन जीरो टू वन जीरो थ्री चलो तो क्या दिमाग में आया जो आपके लेंथेनाइड होंगे जो आपके क्या होंगे लेंथेनाइड होंगे ठीक है वो कहां से कहां तक जाते हैं सीरियम से लेके ल्यूटिशियम तक जाते हैं 58 से लेके 71 तक जाते हैं इसके बीच में कोई भी एलिमेंट होगा इनके बीच इस एटॉमिक नंबर के बीच में कोई भी एलिमेंट होगा वो लेंथोनाइट होगा जब आप एक्टीनाइट की बात करेंगे किसकी बात करेंगे एक्टीनाइट की बात करेंगे वो कहां से कहां तक जाते हैं थोरियम से लेके कहां तक जाते हैं लॉरेंशियम तक जाते हैं थोरियम से लेके कहां तक जाते हैं लॉरेंशियम तक जाते हैं थोरियम कितना होता है नाइनटी और ये कितना होता है वन होता है ये चीज दिमाग में बैठा देना ठीक है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और जब तक पिक्चर खत्म ना हो तब तक जाना नहीं है टिके रहना है यहीं पे बोला है ना वादा करा टर्म वन अच्छा निकलेगा वादा कर रहा हूँ टर्म टू में तहलका मचाएंगे चलो ए ब्लॉक एलिमेंट ठीक है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बोलो डी ब्लॉक का क्या था सुनाई दिया क्या मुझे एन माइनस वन डी वन से टेन और एन एस जीरो से टू ठीक है चलो मालिक मैं इनका लिखता हूं एन माइनस टू ओ माई गॉड एन अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ओ माई गॉड एन अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या शेल है या ऑर्बिट है या पीरियड है तो एन माइनस टू में फिलिंग होती है इनकी ओके एफ वन से फोर्टीन एन माइनस वन डी जीरो से वन अच्छा डी में ही भरते हैं कभी कब एन एस टू ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है आपके स्कूल लेवल पे एज इट इज पूछ लेगा आपके स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लेगा बोलो क्लियर है आपके स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ सकता है चलो अब अगर मैं बात करूं अब मैं अगर बात करूं ठीक है लेनाइट की, Lentinoid, की बाद है। के बाद आता है किसके बाद आता है आता है पीरियड में होता है कौन से पीरियड में होता है सिक्स पीरियड में होता है और अगर इसमें एन माइनस टू भर रहा है

आसान है डी और एफ ब्लॉक की पूरी पोजीशन समझ गए लेकिन सर अभी भी एक चीज बाकी है पहले इसे नोट डाउन करो फिर मैं बताऊंगा कि भैया इनको याद कैसे करें जाए बेटा देखो तहलके के साथ पढ़ेंगे थोड़ा समय लूंगा वन शॉट रिविजन का यह मतलब नहीं है मैं हवा में उड़ाता हूं आप लोग जानते हैं मैं कितना डेप्थ नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूं वन शॉट के नाम पे मैं हवाबाजी नहीं कर रहा वन शॉट है एक लेक्चर में आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो जाएगी पहले से नोट डाउन करा जल्दी से करो एक दो तीन बज गई बीन मार दो तीन उंगली से स्क्रीन शॉट चलो चलो अब इसे देखो कि याद कैसे करना है अगर आपको लेंथ को याद करना है तो याद रखना लेनाइट में कौन कौन आते हैं फोर्टीन एलिमेंट आते हैं याद रखने का तरीका लेंथ को सारी चीज बताऊंगा मैं सारी चीज बताऊंगा चाहे वन शॉट क्यों ना हो सारी चीज बताऊंगा समझना सीरिया के प्रेसिडेंट कैसे याद करेंगे सीरिया के प्रेसिडेंट ओहो हो क्या बात है सीरिया के प्रेसिडेंट सीरियम प्रेसियोडम और नीदरलैंड नीदरलैंड मतलब एंडी नियोडायमियम के पीएम पीएम सीरिया के प्रेसिडेंट और नीदरलैंड के पीएम और स्टेशन मास्टर ने इतने सारे लोग मिले और स्टेशन मास्टर स्टेशन का एस पकड़ लेना स्टेशन मास्टर स्टेशन का एस पकड़ के मास्टर का एम पकड़ लिया समारियम बन गया कौन कौन मिला सीरिया के प्रेसिडेंट मिले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर और स्टेशन मास्टर मिले ठीक है मिल गया भैया ये कहां गए ने यूरोप से यूरोप से ठीक है यूरोप से गोल्ड मतलब गैडोलिनियम यूरोप से गोल्ड ट्यूबलाइट समझते चलना ट्यूबलाइट मतलब टर्बियम गोल्ड ट्यूबलाइट गोल्ड ट्यूबलाइट और डायनासोर सर और डायनासोर ठीक है डायनासोर स्पेलिंग यही होती होगी ठीक है डायनासोर कहां ले गए देखो सीरिया के प्रेसिडेंट और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर स्टेशन मास्टर मिले इन्होंने यूरोप गए यूरोप से गोल्ड ट्यूबलाइट और डायनासोर कहा ले गए हॉलैंड अरब ले गए हॉलैंड अरब ले गए हॉलैंड अरब हॉलमियम अरबियम हॉलैंड अरब अरबियम अरब, अरब ले गए ले गए और तुम तुम मतलब थुलियम तुम अब 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 के बरस तुझे ठीक है तुम अब लौटे, लौटे मतलब बस ये फोर्टीन एलिमेंट है जंगल थोड़ी बड़ी है लेकिन बेटा बहुत सिंपल है सीरिया के प्रेसिडेंट <coughs> सॉरी <या, coughs> सीरिया के प्रेसिडेंट नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर स्टेशन मास्टर ने यूरोप से गोल्ड ट्यूबलाइट डायनासोर हॉलेंड अरब ले गए तुम अब लौटे बस इतना सा याद कर लेना मस्त मजे से याद करो सजेस्ट और मजे से याद हो जाएगा बोलो क्लियर है नोट डाउन करो इसे जल्दी से करा मारा स्क्रीन शॉट चलो अगर स्क्रीन शॉट मारा तो मैं इसको बता देता हूं किसको अपने एक्टिनाइड को याद करना मार लिया था स्क्रीन शॉट सीरिया के प्रेसिडेंट चलो अब मैं बात करता हूं किसके बारे में एक्टिनाइड के बारे में बात करता हूं बड़ी सिंपल सी जिंगल है फोर्टीन एलिमेंट मैं तहलके के साथ याद करा दूंगा किसी को बुखार होता है तो भैया उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता पंडा पुजारी के पास ले जाओगे तो मरे गए इंसान किसी को बुखार है एक मैडी नाम की लड़की को किसको बुखार है एक मैडी नाम की लड़की को बुखार है किसको बुखार है भैया एक मैडी नाम की लड़की को बुखार है बुखार है तो एक्टीनाइट को याद करते हैं अपन किसको याद करते हैं एक्टीनाइट को याद करते हैं चलो ठीक है थ पाऊ क्या याद करेंगे थ पाउ एक मंत्र मार रहा हूं वो जो पंडा है जिसके पास ले गए हैं मैडी नाम की लड़की को मंत्र मार मारू नप पाऊ नप पाऊ नाऊ था थपाऊ नपाऊ कम बक अब क्या बोलता है अब क्या पता चला कफ ऐसा और फीवर बोलो मैं कफ की स्पेलिंग मुझे पता है लेकिन मैं ही लिख रहा हूं कफ ऐसा और फीवर फीवर एफ एम फर्मियम कफ ऐसा और फीवर ठीक है आगे फर्मियम तक मैडी नो लॉन्गर मैडी नो मतलब नोबेलियम और लॉन्गर मतलब लॉरेंशियम नो लॉन्गर मतलब लॉरेंशियम तो याद कैसे करा अपन ने कोई मैडी नाम की लड़की थी उसमें मंत्र मारा गया थपाऊ नपाऊ अमकम भक,

कोई दिक्कत नहीं अब ए ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते थे अभी हमने देखा इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते थे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था एन माइनस टू एफ वन से फोर्टीन एन माइनस वन डी जीरो सेवन और एन एस टू चलो सर ये सब हम लिख चुके हैं ये सब हम देख चुके हैं जस्ट उसी को अपन ने फिर से शुरू करा अपन ने ठीक है एक बार प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में दिया बोलो क्लियर है सब नोट डाउन करा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं यस सर कोई दिक्कत नहीं अगर कोई दिक्कत नहीं तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं अब देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट वाई बता दो तो, जल्दी से बता दो तो, आंसर क्या होना चाहिए अभी मैंने बताया था क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन एनसीआरटी का एनसीआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है जिंक कैडमियम मरकरी मर्करी को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट क्यों कंसिडर uh, नहीं करते बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड फुली फिल्ड एन माइनस वन डी टेन एन एस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड दे डू नॉट शो एंड दे डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशनल मेटल लाइक लाइक वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते कॉमा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमा ठीक है हाई बीपी हाई एम पी बीपी कोई भी मेटेलिक प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते ट्रांजिशनल मेटल की इसलिए जिंक एडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं जिंक एडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं क्यों क्योंकि ये कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे किसकी जिंक कैडमियम सॉरी ट्रांजिशनल मेटल की बोलो क्लियर हुआ क्लियर हुआ नोट no डाउन कराए से नोट डाउन करा अगर कभी एग्जाम में थ्योरिटिकल पेपर हो तो ऐसे लिखना ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए तो एमसीक्यू मिल क्यू जाएंगे आपको हर चीज़ की तैयारी हम करते हुए चल रहे हैं चलिए सर बिल्कुल क्लियर है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अब अब मैं डिटेल में देखने जा रहा हूँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो अपन भी डिटेल में देखने जा रहे हैं चलिए भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अपने पास लिखा हुआ है अब्बाह रूल आप लोगों को पता होगा अगर अब्बाह रूल नहीं पता है तो एक बार हमेशा अब्बाह रूल मैगनेट ब्रेन करके सर्च करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करने की आपको तरीके मिल जाएंगे मैं एक बार स्कैंडियम का लिख के बता रहा हूँ यहाँ तो वैसे लिखा हुआ है लेकिन मैं अपने तरीके से लिख के बता रहा हूँ चलो देखो स्कैंडियम 21 होता सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 3D सीरीज की कैसे याद कर रहा था शक्ति मन शक्ति व कर मन फेको निकुजन निकुजन नीचे दिख जाएंगे ठीक है अब ध्यान देना इसका इंडियम की बात करें 21 एटॉमिक नंबर है मतलब इलेक्ट्रॉन भी 21 ही भरने हैं अब बाहु रूल से भरते हैं कैसे भरेंगे 1s2 2s2 2p6 एक बार भर दे रहे हैं फिर आखिरी का याद कर लेना वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स दो बार भैया फोर एस टू थ्री डी वन ठीक है तो आख, आउटर मोशल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन स्कैंडियम का कितना दिखा फोर एस टू थ्री डी वन इसका कितना दिखेगा फोर एस टू भर गया थ्री डी टू इसका फोर एस टू थ्री डी थ्री इसका समझना इसका होना क्या चाहिए था होना क्या चाहिए था होना चाहिए था फोर एस टू थ्री डी फोर ओ सॉरी फोर एस टू थ्री डी फोर होना ये चाहिए था हमेशा ऐसा लिखना जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ऐसा लिखना और फिर कट मारना इस पर यह होता नहीं क्योंकि ध्यान दीजिएगा बेटा एन कहती है एन माइनस वन डी और एन इलेक्ट्रॉन की एन uh, एस की एनर्जी में ज्यादा डिफ़रेंस नहीं होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गया कहां से यहां से इधर ट्रांसफर हो गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमें फोर देखने मिलता है क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और अगर 3d5 है मतलब ये हाफ फिल्ड हो गया क्या हो गया हाफ फिल्ड हो गया और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं क्या होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ठीक है सर इसका क्या होगा 4s2 थ्री डी फाइव इसका कितना फोर एस टू थ्री डी सिक्स फोर एस टू थ्री डी सेवन फोर एस टू थ्री डी एट हम हमेशा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख रहे थे एन माइनस वन डी वन से टेन हमेशा याद रखना और एन एस जीरो से टू वो वैलेंस शेल का लिख रहे थे ठीक है तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एन माइनस वन डी वन से टेन और एनएस जीरो से टू बोलो क्लियर हो गया यहां भी आपको क्रोमियम में एक्सेप्शन देखने मिला पहले इतना नोट डाउन करें पहले इतना नोट डाउन करें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एक्सेप्शनल है क्योंकि हाफ फिल्ड और कैसे होते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेबल स्टेबल होते होते हैं क्योंकि होते हैं क्योंकि हाफ फिल्ड कैसे क्या कोई दिक्कत क्या कोई परेशानी चलो कोई दिक्कत और परेशानी होनी नहीं चाहिए वैसे आप लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी होनी नहीं चाहिए क्लियर है बढ़ाऊं आगे कहानी को बढ़ाऊं आगे कहानी को चलो ध्यान दीजिएगा नोट डाउन कर लिया था ना इतना चलो अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट कॉपर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होना क्या चाहिए था इसका फोर एस टू थ्री डी नाइन होना चाहिए था फोर एस टू थ्री डी नाइन होना चाहिए था लेकिन वही मैंने कहा एन माइनस वन डी और एन एस की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इधर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया फोर एस वन थ्री डी टेन देखने मिलता है और इसका फोर एस टू थ्री डी टेन तुम्हें तो हम डी ब्लॉक के और ट्रांजिशनल एलिमेंट मानते ही नहीं तो रखा क्यों है तुम्हारा रैशनल क्लासिफिकेशन डी में दस रखे जाते हैं वो कंप्लीट कर सकें इसलिए तुमको यहाँ दिया है बोलो क्लियर हो गया तो समझना क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन शो करते हैं क्या शो करते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन शो

अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन कॉन्स्टेंटली बदल रहा है बेटा तो जब वो एक ऑर्बिटल से दूसरा ऑर्बिटल में एंटर करता है तो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है ठीक है और जब एनर्जी एक्सचेंज करता है जितने ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज देखने में लेंगे आपको उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसीलिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ड्यू टू सिमिट्री एंड एनर्जी एक्सचेंज ये नीट टू का क्वेश्चन भी था नीट टू का क्वेश्चन भी था बोलो क्लियर हो गया तो थ्री डी सीरीज में कौन कौन एक्सेप्शन uh, है जल्दी बता क्रोमियम एक्सेप्शन है होना चाहिए था फोर फोर एस टू लेकिन ये नहीं होता क्या होता आखिरी में लिख लेना होता ये है थ्री डी फाइव फोर एस वन फोर डी सीरीज और कौन है कॉपर है होना चा... क्या चाहिए था 3D 9, 4S2, 3D 9, 4S2, लेकिन ये भी नहीं होता होता क्या है थ्री डी टेन फोर एस वन क्या होता है थ्री डी टेन फोर एस वन होता है बोलो क्लियर हो गया बोलो क्लियर हो गया क्या कोई डाउट क्या कोई समस्या क्या कोई परेशानी नहीं सर कोई डाउट कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है ठीक है ठीक है चलो आगे बढ़ाते हैं फोर्टी सीरीज की बात करते हैं हमेशा याद रखना पूरा डिटेल में बताऊंगा तैल्का मचाते हुए बताऊंगा चलो नेक्स्ट उसकी बात करता हूं मैं नेक्स्ट उसकी बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्टी सीरीज मजा आने वाला है देखना इट्रियम फोर्टी सीरीज फोर्टी में जाएगा फोर्टी वन फाइव एस टू आप समझना होना क्या चाहिए था होना चाहिए था फोर्टी थ्री लेकिन होता नहीं है क्या हो गया फोर्टी फोर फाइव एस वन हो गया सर यहां तो कोई हाफ फील्ड और फुल फील्ड भी नहीं है तो वही तो लॉजिक समझ को हो होना क्या चाहिए था फोर्टी फोर पहले गलत वाला भी बनाना फाइव एस टू लेकिन ये भी नहीं होता एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया हो गया फोर्टी फाइव फाइव एस वन इसका माना लेकिन इसका नहीं माना सर याद कैसे करें चलो इसका क्या होना चाहिए था फोर्टी फाइव फाइव एस टू स्टेबल है, तो है होना तो यही चाहिए था लेकिन यहां पे ये भी नहीं होता होता है फोर्टी सिक्स फाइव एस वन अरे यार ये क्या चल रहा है अब देखना होना इसका क्या चाहिए था फोर्टी सिक्स फाइव एस टू लेकिन ये भी नहीं होता फोर्टी सेवन फाइव एस वन होता अरे यार ये चल क्या रहा है इसका क्या होना चाहिए था फोर डी सेवन फाइव एस टू लेकिन ये भी नहीं होता ये होता फोर डी एट फाइव एस वन सर चल क्या रहा है इधर ध्यान देना पैलेडियम होना क्या चाहिए था फोर डी एट फाइव एस टू लेकिन ये नहीं होता दो के दो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं और फोर डी टेन फाइव एस जीरो होता है क्या होता है फोर डी टेन फाइव एस जीरो सर ये क्या चल रहा है याद कैसे रखें ये जाना मोहतक रूरा पड़ी इधर सिल्वर में देख लो सिल्वर आग में फोर डी इसका क्या होना चाहिए था नाइन फाइव एस टू लेकिन ये भी नहीं होता ये होता है फोर डी टेन फाइव एस वन सब में एक इलेक्ट्रॉन बस पैलेडियम में दो हुए और आ गया कैडमियम ये होता है फोर डी टेन फाइव एस टू सर याद कैसे रखा जाए याद कैसे रखा ये मैंने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखा ये इनका आगे लिखा है लेकिन मैंने यहीं लिख दिया इनका आगे लिखा है लेकिन मैंने यहीं लिख दिया सर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पैलेडियम में दो हो रहे हैं देखो बेटा एट्रीएम बढ़िया था फोर डी वन फाइव प्लस टू ये भी बढ़िया था लेकिन यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे भी एक एक का ट्रांसफर होता गया होता गया होता गया होता गया बस पैलेडियम में दो का हुआ तो याद रखने का तरीका थ्री डी सीरीज में दो एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर फोर डी सीरीज में कैसे याद रखें कई बचपन में वाला गेम खेला तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तीन बच्चे जा रहे हैं बोला अरे है यार तू मत आ भाई नहीं तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा बस ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरे से काम बिगड़ना शुरू हुआ तो जिंगल है याद रखने की अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक याद रखना और कमेंट सेक्शन बताना याद हुआ यानी दिस इज अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक, ट्रिक। What is स्पेशल ट्रिक वॉट इज अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक लॉजिक समझना तीन तिगाड़ा बोलो क्या तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा काम बिगाड़ा मतलब तीसरे से काम बिगड़ना शुरू हुआ सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हुआ सबसे ज्यादा किसने बिगाड़ा पैलेडियम ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा बोलो क्या बोला हमने तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा पैलेडियम ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा वाह सर याद हो गई सब में एक एक ट्रांसफर होंगे लेकिन पैलेडियम में दो ट्रांसफर होंगे ऐसा क्यों ऐसा क्यों सबसे पहली वजह यह दी जाती है बेटा कि एन माइनस वन डी बोलो पहला रीजन क्या दिया जाता है इसके पीछे का रीजन क्या दिया जाता है एन माइनस वन डी रीजन सुनना क्या दिया जाता है एन माइनस वन डी एंड एन एस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता एन एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट है वाइटल डू नॉट डिफर इन डू नॉट मच एनर्जी डिफरेंस टू मच एनर्जी डिफरेंस ठीक है n माइनस वन डी और एन एस में ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता पहला वजह ये दी जाती है दूसरी वजह रीज़न क्या दिया जाता है दूसरा रीजन ये दिया जाता है अब मेरी बात सुनना बेटा देख देखना ये हो सकता है मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं लेकिन बुक्स में ऐसा ही दिया रहता है मेरे घर में जो मेरी मम्मी है मम्मी है मेरी मम्मी हमारे घर का न्यूक्लियस है मैं हूं मेरी सिस्टर हूं ठीक है तो हम क्या करते हैं या तो मेरी और मेरी बहन की नहीं बन रही है तो हम मम्मी के पास चल जाते हैं या मम्मी और मेरी बहन की ना बन रही हो तो मेरी बहन मेरे पास आ जाती है क्यों ताकि लड़ाई झगड़ा हम ना करें होता क्या है कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो नेचुरल है ना इसमें इंसान का तो कोई है नहीं कि तुम ऐसे रहो नेचुरल है हमने नेचुरली ऑप्टेन करा कि भैया इनका नेचर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऐसा देखने मिला क्यों क्योंकि एटम बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है यहाँ से उधर जा रहा है अगर उसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो हर चीज स्टेबिलिटी का खेल होती है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक्सेप्शनल दिख रहे हैं तो ये सिर्फ स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए किसको गेन करने के लिए स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये किस वजह से होता है चाहे न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले हों या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फोर्सेस की वजह से होता है किस वजह से होता है सर ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फोर्सेस की वजह से होता है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लीज नोट डाउन करो प्लीज नोट डाउन करो ठीक है बुक्स में ये रीजन दिए रहते हैं वो रीजन मैंने आपको लिखा दिए थ्री डी सीरीज में दो एक्सेप्शन क्रोमियम कॉपर सीरीज में तीन तिगाड़ा ती बिगाड़ा बिगाड़ा बस जिंगल याद रखना आपको कहानी याद होती जाएगी कहानी याद होती जाएगी आप हमेशा याद रखना अनुराग सर को याद रखोगे कि सर क्या तरीके से आपने कॉन्सेप्ट याद कराए थे क्लियर है क्लियर है चलो अगर क्लियर है तो नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी समझना समझना ठीक है नेक्स्ट कहानी है ये तो आप नोट कर चुके हो द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज ड्यू टू द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फोर्स चलो सर देख लिया अब बात करते हैं अपन किसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ 5d सीरीज 6d सीरीज उतना डिटेल में नहीं पढ़ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 5d सीरीज के बारे में बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं 5d सीरीज के बारे में बात करते हैं ला 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 के बाद 14 एलिमेंट क्या बनाने में चले गए पहले तो फोर एफ में गए पंद्रह तो आ, आ लोग पहले से ही है तो जो एक नया आएगा उसको बोलोगे सोलवा है तो भैया फोर एफ फोर्टीन आ चुके हैं अब होगा फाइव डी टू सिक्स का इसका क्या होगा फोर एफ फोर्टीन फाइव डी थ्री सिक्स कोई दिक्कत नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं फोर एफ फोर्टीन फाइव डी फोर सिक्स टू कोई एक्सेप्शन नहीं फोर एफ फोरटीन फाइव डी सिक्स टू कोई दिक्कत नहीं ठीक है ला हफ्ता वरी असर, इरिडियम फाइव डी सेवन सक्सेस टू कोई दिक्कत नहीं बस प्लेटिनम में होना क्या चाहिए था फाइव डी एट फाइव डी एट लेकिन हुआ नहीं होना क्या चाहिए था फाइव डी एट सक्सेस ये हुआ नहीं हो क्या गया एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया फाइव डी नाइन सक्सेस फिर आया गोल्ड गोल्ड आया गोल्ड का क्या होना चाहिए था फोर एफ फोर्टीन सिक्स एस टू लेकिन ये भी नहीं होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाता है होता क्या है फोर एफ आगे लिखा हुआ है स्लाइड में फाइव डी टेन सिक्स एस वन ये होता है और लास्ट में आगे गया मरकरी होना क्या चाहिए था फोर एफ होता यही है फोर एफ फाइव डी टेन और सिक्स एस टू बस सर हमको क्या क्या एक्सेप्शन देखने मिले सिर्फ दो में एक्सेप्शन में. है प्लेटिनम और गोल्ड में महंगी चीजें हैं ना याद करो नोबल मेटल प्लेटिनम और गोल्ड बस इनमें एक्सेप्शन देखने मिलता है तो हमको याद हो गया थ्री सीरीज में क्रोमियम कॉपर फोर सीरीज में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा पैलेडियम ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा और अगर हम बात करें फाइव सीरीज की सिर्फ दो एक्सेप्शन देखने मिलता है प्लेटिनम और गोल्ड बोलो आसान है कहानी क्या मेरी जुबानी जो कहानी थी वो आसान है या सर आसान है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए नोट डाउन कर लिया नोट डाउन कर लिया बढ़ाऊं आगे कहानी को बढ़ा दूं आगे बेटा इतने सिस्टमेटिक तरीके से और सिंपल तरीके से बता रहा हूं बस इसे ऐसे ही याद करते चलना चलो हो गया ना अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की किसकी बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की यहां पर अनुराग सर का फिर एक रूल सुन लो बोला ना कौन कहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती एक बार तरीके बना के देखो अनुराग सर जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट एस में दो आते हैं अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल वो भी मेटल है डी ब्लॉक एलिमेंट वो भी मेटल है एफ ब्लॉक एलिमेंट वो भी मेटल मतलब ये सारे क्या होते है? होते हैं हैं मेटल मेटल पी ब्लॉक में भी आती है है अपना मेटेलॉइड भी आती है भी आती है, भी आती है और नॉन मेटल भी आती है नॉन मेटल भी आती है नॉन मेटल भी, भी, भी आती है चलो तो क्लियर हो गई कहानी कि भैया एस ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या है टिपिकल मेटल्स हैं टिपिकल मेटल अगर मेटल होती है तो मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है क्लास दसवीं कक्षा अच्छा में पढ़ा होगा मेटल सर चमकती है ठीक है मेटल होती है मेलिएबल सर ठीक है मेटल में मेटल मेटलिक लश्चर होती है मेटल होती है मेलिएबल सर मेटल होती है डक्टाइल सर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर ठंड के दिन है ना बेटा जैसे ये मेटल मेटल तो नहीं है ये अगर ठंड के दिन होंगे तो लोहे पे बैठ के देखना जो पीछे होगा ना ठंडा ठंडा लगेगा गर्मी के दिनों में भरी धूप में पीछे बैठना गर्म गर्म लगेगा मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हीट हीट का तो देख ले इलेक्ट्रिसिटी का लोहे की कोई चीज लेना उसको घर में स्विच में ऐसे डालना ठीक है जैसे ही स्विच में जग करंट लगेगा समझ रहे हो समझ रहे हो ना करना मत ये स्टंट सिर्फ अनुराग सर बता रहे हैं घर पे परफॉर्म नहीं करना है तो मेटल है तो मेटल प्रॉपर्टी तो शो करेंगे ही करेंगे अब मेटल का भाई हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है घरों में जो बर्तन होते हैं ऐसा नहीं होता ना कि भैया सब्जी बना रहे थे आपके घर की गंजी पिघल गई गंजी मतलब हमारे घर में वो एल्यूमिनियम की होती है कढ़ाई पिघल गई अरे यार आज तो हमारे घर में ट्रेजिडी हो गई खाना बना रहे थे हमारी कढ़ाई पिघल गई अरे भैया इसीलिए मेटल के कंटेनर में खाना बनाया जाता है वो पिघलते नहीं पता चला तांबे के ग्लास को ऊपर छत पर रखा गर्म पानी करने तांबे का ग्लास ही पिघल गया दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो इस बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैविंग वेरी हाई डेंसिटी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इनकी हाई डेंसिटी होती है कैसी होती है हाई डेंसिटी होती है मेटल हाई डेंस होती है इनमें भी बात करें ऑस्मियम और इरिडियम एग्जाम्पल के तौर पे जिनकी हाई डेंसिटी पाई जाती है ऑस्मियम इरिडियम दोनों की हाई होती है लेकिन थोड़ी इनमें अगर ज्यादा बात करें फर्स्ट जैसा दिख रहा है तो इरिडियम फर्स्ट ऐसे याद रखना इरिडियम फर्स्ट बोला ना एकदम छोटे छोटे तरीके बताते चलूंगा कि इनकी हाई डेंसिटी होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है याद रखना मेटल में अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट पाया जाता है तो डब्ल्यू मतलब टंगस्टन कितना होता है थ्री सिक्स एट थ्री कैलविन होता है टंगस्टन देखा है आप लोगों ने देखा टंगस्टन अगर नहीं देखा तो याद करो घरों में जो पीले बल्ब लगे होते थे पीले बल्ब में जो बल्ब का फिलामेंट होता था फिलामेंट देखा होगा ना ऐसा झुंझुनझुंझुन वाला झुंझुन वाला जैसा वो होता है फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ ठीक है सर मरकरी अरे यार मरकरी तुम तो बात ही मत करो यार मरकरी तुम बात मत करो जिंक एडमिया मरकरी हम इसीलिए तुमको कह रहे थे ना कि तुमको हम ट्रांजिशनल मेटल नहीं मानते क्योंकि तुम डी ब्लॉक ट्रांजिशनल मेटल की, की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं मरकरी हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है किस में पाया जाता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है थ्री डी और फाइव सीरीज के एलिमेंट सारे नेचुरली ऑकरिंग है बस एक टेक्नीशियम को छोड़ दो किसको छोड़ दो टेक्नीशियम बोल दो टेक्नीशियम याद रखने का तरीका टेक्नोलॉजी से बना टेक्नीशियम किससे बना टेक्नोलॉजी से बना टेक्नीशियम को छोड़ दो है, है है किसके element है, किसके बीच 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 में में, में में, और और के के बोलो याद होगा ना ये तक, तक, तक तुम तक, तुम तक मेरी, फिर चाहे जो मर्जी तक 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 तक, वही तक तक मतलब टेक्नीशियम समझ गया थी रंजना यार बहुत ही प्यारी मूवी थी ना, देखा ना क्या तो? समझ गए टेक्नीशियम इज द ओनली मैनमेड एलिमेंट अमंगी फोर डी एंड फाइव डी सीज ये कुछ डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी थी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज इट इज डायरेक्ट वो मैंने आपके सामने रखे बढ़ू आगे बढ़ जाऊं आगे नोट्स शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन नोट्स कैसे बनने चाहिए वेरी नीट एंड क्लीन बनने चाहिए बढ़ाता हूं कहानी को आगे और देखता हूं कहानी को ठीक है नेक्स्ट है मेरी मेटेलिक प्रॉपर्टी अब भी मैंने बताया पहली प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी मेटलिक प्रॉपर्टी ठीक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ डी ब्लॉक एलिमेंट में ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल ठीक है सो दे शो ऑल मेटलिक प्रॉपर्टी सो सो दे शो ऑल मेटलिक प्रॉपर्टी सच एज हाई मेल्टिंग पॉइंट कौन कौन सी मेटलिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए कैसे होने चाहिए ये होने चाहिए कैसे होने चाहिए डकटाइल होनी चाहिए कैसे होने चाहिए गुड कंडक्टर होने चाहिए किसके हीट के और किसके इलेक्ट्रिसिटी के बिकॉज इनमें क्या पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बिकॉज इनमें क्या पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर के बीच में मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है लेकिन अगर आप समझना आयनिक कंडक्टर लो जैसे आयन एनएसएल ले लो एन ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता जब सॉलिड स्टेट में हो जब तक आप उसको पिघलाओगे नहीं करीब वन जीरो, एट जीरो केल्विन तक एन एस सी एल को ले जाके उसको मे, मेल्ट नहीं करोगे या उसको पानी में नहीं डालोगे तो आयन फ्री नहीं होंगे मतलब जो आयनिक कंडक्टर होते हैं उनमें कंडक्टिविटी किस वजह से होती है आयन की वजह से लेकिन मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से और जब ये फ्लो होते हैं इधर चला मैं उधर चला जाने कहा मैं किधर चला अरे फिसल गया तो ही कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है बोलो क्लियर है तहलका मचा देंगे वन शॉट रिवीजन में ये दिमाग में बैठा के चलो भैया तहलका मचा देंगे जिस जोश और जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो जोश और जुनून बना रहना चाहिए चलो अगर कहानी क्लियर हो गई मेटेलिक प्रॉपर्टी तो अब आएगा ना कहानी में मजा मजा क्या है कुछ तो मजा है लाल लीला ला। मजा है एटॉमिक रेडियस का मजा है एटॉमिक रेडियस का किसका मजा है एटॉमिक रेडियस का समझना प्रॉपर्टी देख रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ नहीं है रे प्रॉपर्टी हम ये देख रहे हैं सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर कराना कराना अब हम उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे सिर्फ दो कंपाउंड पढ़ना है अपने को डी ब्लॉक एलिमेंट पे पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम पर तो चिंता की बात नहीं है अपन वन शॉट में ही पूरी कहानी एकदम मक्खन जैसी कर देंगे बोलो कैसी कर देंगे मक्खन जैसी मक्खन जैसी मक्खन जैसी ठीक है चलो इनकी अटोमिक रेडियस के बारे में बात करता हूं मैं आपको क्या पता है सर हमें तो यह बात पता है कि लेफ्ट से राइट right जब हम जाते हैं क्या बोल रहा हूं मैं सर हमको एक चीज पता है कि लेफ्ट से राइट right जब जाते हैं तो एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट right किसी पीरियड में जाते जाओगे शेल या ऑर्बिट रिमेन सेम शेल या ऑर्बिट वही का वही है एंड आप देखिए इलेक्ट्रॉन उसी में ऐड होते जाते हैं 3d1, 3d2, 3d3, 3d5, 3D 3d5, फिर 3d6, 3d7, 3d8, 3d10, 3d10 लेफ्ट से राइट किसी भी सीरीज में जाएंगे और अपन इसमें सीरीज वाइज अभी देख रहे हैं ठीक है लेफ्ट से राइट जा रहे हैं भैया किसी सीरीज में ये देखो पीरियोडिक टेबल है लेफ्ट से मैं राइट जा रहा हूं ठीक है शेल रिमेन सेम और इलेक्ट्रॉन उसी में बढ़ते जा रहे हैं और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो आप एक बात बताइए इफेक्ट उन इलेक्ट्रॉन को ही न्यूक्लियस खींचता जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा लेकिन यहां एक और फैक्टर काम में आएगा वो होता है एसई मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट तो पहले मैं आपको अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बताता हूं चलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करूं तो होता क्या है समझना ये मेरी न्यूक्लियस है क्या है मेरा है? है? ये न्यूक्लियस है? है। और इलेक्ट्रॉन है। है, है। होते है हैं अंदर वाली, है वाली शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा ये न्यूक्लियस है क्या बोलेगा गाना क्या खाएगा सुनना वैलेंस इलेक्ट्रॉन गाना क्या खाएगा मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है अफसोस ये है कि हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है ये तो बात की बात है लेकिन मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है और ये सामने वाली खिड़की में और चांद का टुकड़ा है तो भैया उसकी तरफ तो जाना चाहोगे ही चाहोगे ना तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन सुनो ना उस चांद का टुकड़ा अकेला थोड़ी ना रहता होगा मान लो उसके घर वाले रह रहे हैं दादा है दादी है नाना है नानी है उनसे इसको डर लगेगा तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से वैलेंस के इलेक्ट्रॉन पे जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स फोर्स भी भी लगाएंगे लगाएंगे तो लगाएंगे क्या ठीक है और जब रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो ये एक स्क्रीन का काम करेंगे किसका काम करेंगे स्क्रीन का काम करेंगे जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा क्या हो जाएगा घट जाएगा और याद रखना यह कहलाता है अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट और एस और बाइटल के इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा फिर पी का फिर डी का और फिर एफ का होता है यह स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है बोलो क्लियर हो गया अब मेरी बात समझ में स्कैंडियम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं साइज घट रहा है स्कैंडियम का साइज सबसे बड़ा फिर टाइटेनियम का और छोटा का और छोटा क्रोमियम का थोड़ा और छोटा मैगनीज का और छोटा हुआ क्यों क्योंकि सर जैसे ही लेफ्ट से राइट जाते जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है अब अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखोगे तो ये होता है थ्री डी वन ये कितना होता है थ्री डी टू यह कितना होता है थ्री डी थ्री होता है ये कितना होता है थ्री डी फाइव होता है ये कितना होता है थ्री डी सिक्स होता है और थ्री डी फाइव होता है ये भी होता है लेकिन सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा एज वेल एज जब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा क्या बढ़ता जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा लेकिन अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट है तो साइज कांस्टेंट घटता जाएगा लेकिन अगर आप आयरन कोबाल्ट और निकल की बात करें जिसमें डी सेवन हो गया इसमें डी एट हो गया इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं दोनों बराबर होगा आयरन कोबाल्ट निकल का साइज कैसा हो जाता साइज इज सिमिलर साइज कैसा हो जाता सिमिलर सिमिलर हो 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 जाता हो जाता हो जाता कैसा अब अब बात करेंगे कॉपर की जिसमें क्या क्या गया D10 हो गया 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 थोड़ा थोड़ा साइज़ साइज़ बढ़ा और और जिंक में में बढ़ हुआ ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था इतना ज़्यादा हो well होने के बाद, के बाद इलेक्ट्रॉन बीच में लगने वाला मिला तो 3D सीरीज में अगर आप एटॉमिक रेडाई देखने की कोशिश करेंगे तो स्कैंडियम से लेकर जाएंगे तो साइज कम होगा लेकिन आयरन कोबाल्ट निकल का साइज लगभग बराबर होगा और कॉपर और जिंक में साइज थोड़ा बड़ा हुआ दिखेगा क्योंकि अब स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो चुका है कैसा हो चुका है डोमिनेंट हो चुका है एज वेल एज इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काम करने लगा है जिससे आपको साइज थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर कभी एग्जामिनर पूछे तो ये नीट और जेई के हिसाब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा मैंने आपसे पहले ही कहा कॉम्पिटिशन कुछ और नहीं है जो आप पढ़ रहे हो उसी का बड़ा रूप है जो आप पढ़ रहे हो उसी का बड़ा रूप है बोलो क्लियर है कहानी बोलो क्लियर है कहानी यस सर क्लियर है कहानी तो बढ़ाऊं आगे कहानी को क्या नोट डाउन कर लिया स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ लिया आपने अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ लिया तो थ्री सीरीज आप पूरी कहानी को समझ चुके होंगे अब अगर थ्री सीरीज की कहानी को समझ चुके हैं थ्री सीरीज की कहानी को समझ चुके हैं तो लॉजिक समझना मैं बात करता हूं लेंथेनॉइड की इज लेंथेनॉइड एनॉइड्रेक्शन देखना भैया

शक्ति व कर मन फेको निकुजन इनको तो अपन फेको निकुजन इनको तो अपन देख चुके हैं अब अगर मेरा एन इज इक्वल टू कितना हुआ फाइव हुआ मतलब कौन सी सीरीज आई फोर डी सीरीज आई कौन सी सीरीज आई फोर डी सीरीज आई जब मेरी फोर डी सीरीज आई तो स्कैंडियम से ज्यादा साइज तो इट्रियम का देखने मिलेगा क्यों क्योंकि सर नीचे जा रहे हैं तो एन अगर बढ़ रहा है मतलब ऑर्बिट नंबर और शेल नंबर बढ़ता जा रहा है तो साइज बढ़ेगा ठीक है सर तो थ्री सीरीज से ज्यादा साइज आपको फोर सीरीज का देखने मिलेगा बिल्कुल सही कहानी है बिल्कुल सही कहानी है कोई दिक्कत नहीं आप फोर लिख देना अब अगर हम बात करें एन इज की एन इज की बात करें मेरी सी आई फाइव डी सीरीज कौन सी आई फाइव डी सीरीज आई अब मेरा लेंथेनम दिखा मुझे कौन दिखा लेंथेनम दिखा चलो भैया साइज बड़ा साइज बड़ा लेकिन लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर फिफ्टी सेवन है उसके बाद सुनना जी उसके बाद अगर आप बात करेंगे एक यहां पे बात कर लेता हूं जर्कोनियम की इससे छोटा साइज होगा लेफ्ट साइड जाने पर साइज घटेगा लेकिन इससे इसका बड़ा साइज देखने मिलेगा और बात करूं यहां पे ला हफ्ता हेफनियम की बात करूं आपको ये लग रहा होगा कि नीचे जाने पर साइज बढ़ना चाहिए लेकिन हुआ क्या 14 एलिमेंट यहां पे आ गए कौन से आ गए आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से आ गए एफ ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें आप नाम देते हैं लेंथ क्या नाम देते हैं नाइट देते हैं क्या नाम देते हैं लेंथ नाम देते हैं इट में एफ ऑर्बिटल भर रहा है जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट और या शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है काफी वीक होता है और अगर आपने बलून को देखा हो ये मान लो बलून लेंथेनम है और अगर बलून धीरे 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 साइज में कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है आपने देखा होगा बर्थडे मनाते हैं एक बलून को अपन ने चिपकाया कुछ वक्त बाद देखोगे तो बलून एकदम धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है सेम वैसे ही लेंथेनम से जब आप सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाएंगे लेंथेनम के बाद आपको साइज कॉन्स्टेंट घटता हुआ मिलेगा उसे नाम देंगे and thenoid contraction. और जैसे ही साइज घटा इसका इफेक्ट देखा पे होना चाहिए था बड़ा साइज होना चाहिए था साइज में जर्कोनियम से बड़ा लेकिन जर्कोनियम अगर 160 पिकोमीटर होता है तो ये करीब 159 पिकोमीटर आ जाता है और दोनों का साइज लगभग सेम हो जाता है सेम अगर मैं बात करूं इधर भी 4D सीरीज के सारे मेंबर की बात करूं 4D सीरीज की और 5D सीरीज के सारे मेंबर की बात करूं तो दोनों का साइज मुझे सिमिलर देखने मिलेगा वजह क्या होगी लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन ये कहानी होती है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बोलो किसकी कहानी होती है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझना बेटा अगर आप लैंथेनॉइड uh, कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4d और 5d का साइज कैसा हो जाता है सेम हो जाता है कैसा हो जाता है सेम हो जाता है क्यों क्योंकि हैफनियम से पहले हेफनीयम से पहले जो 14 एलिमेंट आए वो लेंथेनॉइड कहलाते हैं उनका इफेक्ट किसमें देखने मिला है हेफनियम में देखने मिला प्लीज पहले से नोट डाउन करें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ गए तो अब मैं इसके एप्लीकेशन समझाता हूँ मजेदार एप्लीकेशन क्या है आपको पता है नोट डाउन करते हुए चलना है इतना एप्लीकेशन मजेदार क्या है जर्कोनियम और हैफनियम दोनों का साइज सेम हुआ नेचर में भी एक साथ पाए जाएंगे सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे समझो ना अगर नेचर में साइज सेम है आपने एक मान लीजिए कंटेनर में रखा इन दोनों को साइज़ सेम है दोनों का आप दोनों को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं तो सेम वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे सेम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेंगे क्योंकि उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है तो सेम साइज़ शो करते हैं और सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं कौन फोर और फाइव के मेंबर कैसा 4D और 5D का साइज कैसा होता है सेम होता है बोलो क्लियर हो गया बोलो क्लियर हो गया चलो तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कहानी देखना मेरी आगे क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन जर्कोनियम एंड हेफनियम आर ऑफ सेम साइज क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जर्कोनियम और हेफनियम का साइज या आकार सेम होता है इसके पीछे की वजह क्या है वजह वजह तुम हो कौन हो वजह लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज सुनना दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिन पे अंडरलाइन कर रहा हूं और नेचर में भी एक साथ पाए जाएंगे कहां पाए जाएंगे

बिफोर फाइव डी एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टरैक्शन डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनॉइड इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्टरेक्शन बोलो क्लियर हो गया बोलो क्लियर हो गया यस सर क्लियर हो गया एटॉमिक साइज के बारे में पूरी कहानी क्लियर हो गई थ्री डी फोर्टी फाइव डी के बारे में हम जनरली सिक्स डी के बारे में बात नहीं करते हैं अपने सिलेबस में भी इतना नहीं दिया हुआ है लेकिन पूरी एनसीईआरटी डिकोड करके आपके सामने रख दूंगा और बीच बीच में ये जो मेरे पिच बढ़ती है ना इसके पीछे भी एक रीजन है कि अगर मैं चीजों को एम्फिसाइज कर रहा हूं तो कान फटने चाहिए और सो भी रह सर कुछ कह रहे थे यार जस्ट बैक करे और देख लिया अपन ने लॉजिक क्लियर है चलो अगर लॉजिक क्लियर है तो और बढ़ाते हैं कहानी को और बढ़ाते हैं कहानी को अब अगली कहानी है एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटीज की लॉजिक समझना ठीक है हम क्या कहते हैं कि भैया ग्रुप वन है अपना क्या है ग्रुप वन है ग्रुप चलो ग्रुप वन में ले लिया लिथियम ये मैंने ले लिया सोडियम ये मैंने ले लिया पोटेशियम ठीक है ये मेरा हाइड्रोजन ठीक है पोटेशियम ले लिया ली ना के इधर ग्रुप टू की बात करूं इधर बे बैरेलियम मैग्नीशियम और इधर मैंने ले लिया कैल्शियम ठीक है यहां आएगा स्कैंडियम क्या आएगा स्कैंडियम मैं कहता हूँ कि भैया पोटेशियम तुम्हारा साइज बड़ा कैल्शियम तुम्हारा साइज और छोटा स्कैंडियम तुम्हारा साइज और छोटा हुआ तुम्हारा अगर साइज छोटा हुआ मतलब तुम्हारी रेडियस छोटी हुई और अगर मैं तुम्हारे वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है फोर बाय थ्री पाईआर क्यूब पाई पाईआर क्यूब पाई पाईआर क्यूब अगर रेडियस छोटी हुई तो वॉल्यूम भी कम हुआ और वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या होती है मेरी मास बाय वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी इनकी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी डेंसिटी क्या होती जाएगी इनकी बढ़ती जाएगी इसीलिए कहा जाता है कि एटॉमिक ग्रुप वॉल्यूम एटॉमिक ग्रुप वॉल्यूम और डी ब्लॉक एलिमेंट इज लेस देन देन ग्रुप वन एंड टू इनका एटॉमिक ग्रुप वॉल्यूम की बात करोगे तो uh, इनका वॉल्यूम कैसा देखने मिलता है ग्रुप वन और टू की तु, तु, तुलना में कैसा देखने मिलता है कम देखने मिलता है कैसा देखने मिलता है, देखने मिलता है? कम देखने मिलता है ठीक है एस ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में एज अ रिजल्ट डेंसिटी क्या हो जाती है हाई हो जाती है देखिए रेडियस कम हुई तो वॉल्यूम भी आपको कम देखने मिल रहा है एटॉमिक वॉल्यूम होना चाहिए एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कैसा होता है ग्रुप वन और ग्रुप टू की तुलना में कैसा होता है कम होता है एज अ रिजल्ट इनकी डेंसिटी कैसी होती है ज्यादा होती है ठीक है क्यों क्योंकि सर पुअर शील्डिंग देखने मिलती है पुअर शील्डिंग का मतलब क्या है देखो अभी मैंने बताया कि भैया ये न्यूक्लियस है ये वैलेंशियल ये मान लीजिए उसके बाहर की शैलो ये वैलेंशियल अब यहां जो मान लीजिए डी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो वीक शील्ड बनाते हैं बताया ना स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर एस का सबसे ज्यादा फिर पी का फिर डी का फिर एफ का डी की स्क्रीन काफ़ी वीक है वीक है मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब साइज कैसा हो गया कम हो गया बोलो क्लियर हो गया यस सर क्लियर हो गया रीजन कभी भी पूछे मैंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपके लिए नोट्स लाए हैं अब मैं बात करूं डेंसिटी की किसकी बात करूं डेंसिटी की अगर डेंसिटी देखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में थ्री से ज्यादा डेंसिटी किसमें देखने मिलेगी फोर डी से ज्यादा किसमें देखने मिलेगी

कहानी को आगे बढ़ाए कहानी को नई दिशा दें कहानी को नई दिशा दें लॉजिक समझना आगे बेटा चलो ठीक है नोट डाउन कर लिया था ना स्क्रीनशॉट मारने में आजकल क्या लगता तो बारे में बड़ी मजेदार कहानी है मेल्टिंग मेल्टिंग लॉजिक क्या है क्या लॉजिक सुनना बहुत इंपॉर्टेंट कहानी पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्ग कर मेल्टिंग पॉइंट अगर मेटल है तो मेटल metal में मेटलिक बॉन्डिंग देखने मिलेगी लॉजिक सुनना एकदम बेसिक से जा रहे हैं मेटल है मतलब मेटल metal में मेटलिक बॉन्डिंग देखने मिलेगी मेटलिक बॉन्डिंग किस वजह से होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है किस वजह से होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है अब अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है मैं स्कैंडियम को पकड़ूँ एग्जांपल के तौर पे मैंने स्कैंडियम को पकड़ा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है थ्री डी बोलो है उसके बाद मैंने टाइटेनियम को पकड़ा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थ्री डी टू फोर एस टू बोलो है लॉजिक समझते चलना तुम लोग भी ऐसा बना लेना मैंने वेनेडियम को पकड़ा जिसका क्या है थ्री डी थ्री फोर एस टू है बोलो सर है वेनेडियम के बाद मैंने क्रोमियम को पकड़ा तुम थोड़ा एक्सेप्शन दिखाते हो याद करो थ्री डी सीरीज में क्रोमियम कॉपर फोर डी सीरीज में तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा पैलेडियम ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा और फाइव डी सीरीज में गोल्ड और प्लेटिनम क्रोमियम थ्री डी फाइव फोर एस वन देखने मिलेगा जी मालिक देखने मिलेगा इसकेम टाइटियम क्रोमियम मैग्नीज की बात करूँ किसकी बात करूँ मैग्नीज की बात करूँ मुझे थ्री डी फाइव फोर एस टू देखने मिलेगा क्या देखने मिलेगा थ्री डी फाइव फोर एस टू देखने मिलेगा अब अगर आप लेफ्ट से राइट right जा रहे हो किधर से किधर जा रहे हो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आप देख रहे हो गे कि डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं क्या बढ़ते जा रहे हैं डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का बढ़ना मेटलिक बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेशन होगा मतलब मेटालिक बॉन्डिंग मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी अगर मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है सुनो ना मैं एक के साथ मैं अकेला दूसरे के साथ बॉन्ड दूसरा तीसरे के साथ बॉन्ड बनता जा रहा है मेटालिक बॉन्डिंग बनती जा रही है तो आपके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते होने चाहिए थे बढ़ने चाहिए थे यस सर बिल्कुल होना चाहिए था ऐसा ऐसा बिल्कुल होना चाहिए था फिर आयरन में क्या होगा आयरन में क्या होगा समझना थ्री डी सिक्स 3d6 4s2 अब क्या हुआ अगर आप 3d6 को देखोगे एक दो तीन चार पांच ये देखो एक दो तीन चार पांच अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो गई क्या हो गई पेयरिंग शुरू हो गई अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम दिख रहे हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें ऐसे ही आप आयरन कोबाल्ट की बात करेंगे इसमें 3d7 डी होता है थ्री होता है देखना भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच ये छह सात अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं जो मेटेलिक बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करें आयरन को बल्ड निकिल की बात करें निकिल की बात करें होता है थ्री डी एट थ्री डी एट इसकी बात करोगे तो देखना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कम होते जा रहे हैं कॉपर की बात करोगे कॉपर की बात करोगे तो इसमें भी क्या हो गया थ्री डी टेन हो गया और जिंक में तो क्या हो गया थ्री डी इसमें भी थ्री डी टेन हो गया मतलब फिर मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएंगे मतलब हाइएस्ट किसमें देखना चाहिए था मैगनीज में दिखना चाहिए था लेकिन केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट आप जो सोच रहे हो अगर मैं इसे एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूं इधर मेल्टिंग पॉइंट बनाऊं और इधर मैं टेम्परेचर बनाऊं क्या बनाऊं सॉरी इधर मैं एटॉमिक नंबर बना देता हूं ठीक है मेल्टिंग पॉइंट बनाऊं और मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर ही होता है और इधर एटॉमिक नंबर बनाऊं स्कैंडियम फिर टाइटेनियम फिर वेनेडियम फिर क्रोमियम ये क्या आया मेरा क्रोमियम ध्यान देना मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है ये एक्सेप्शन है क्या है एक्सेप्शन और जहां भी एक्सेप्शन देखने मिले वो क्वेश्चन होता है मैग्नीज से थोड़ा बढ़ा किसका आयरन का फिर कोबाल्ट फिर निकल फिर कॉपर और ये लास्ट में क्या देखने मिला जिंक का जस्ट बनाने का तरीका है मैग्नीज का सडन घटा ऐसा क्यों बेटा मैग्नीज को आप देखोगे तो 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है बोलो क्या है थ्री डी फाइव फोर एस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन स्टेबल है बोलो क्या है स्टेबल है लॉजिक समझना है. अगर मेरे पास मान लीजिए मेरी सैलरी दो लाख रुपए आ रही है दो लाख रुपए मैं दान कर सकता हूँ मतलब वाह यार क्या बात है लेकिन अगर इंसान स्टेबल है उसे लग नहीं रहा मैंने अपने पैसे दान ना करके दान ना करके मैंने अपने घर में बैंक लॉकर में रख दी समझ ना मैंने बैंक लॉकर में रख दी तो पैसे तो मैं दान दे नहीं पा रहा हूं। है पैसा मेरे पास देखो पैसा तो इनके पास भी था ना इसलिए अमीर बनना अच्छी बात नहीं है इतने अमीर हो गए स्टेबल हो गए अरे यार क्या ध्यान देना दान पुण्य में भरोसा हट गया तो इतना पैसा है लेकिन मैं डोनेट नहीं कर रहा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल तो है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल हैं ये न्यूक्लियस के साथ बाइंड हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं ना कि ये मेटलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इसीलिए मैग्नीश का इलेक्ट्रॉन मैग्नीश का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया सेम ऐसी ही कहानी आपको किस में देखने मिलेगी आ, आपको फोर्टी सीरीज में देखने मिलेगी किस में फोर्टी सीरीज में आपने बात कर ली किसके बारे में ये जर नभ नभ मोह और टेक्नीशियम का फिर आपको कम देखने मिलेगा टेक्नीशियम का फिर आपको कम देखने मिलेगा तो लॉजिक समझना क्या पूरी कहानी समझ गए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने मैंने रखी है लॉजिक समझना इसको अब कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमिम एंड मरकरी अरे यार बेटा तुम्हारी क्या ही बात करना जिंक कैडमियम एंड मरकरी तुमने तो भैया फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करके रखा है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करके रखा है रिस्पेक्टिवली ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मैंने बता दिया हैव वेरी हाई मेल्टिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट 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 लो अब और बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा है तो भाप बनेंगे क्या बनेंगे क्या भाप नहीं बनेंगे इसलिए लो वोलेटाइल कैसे बोलूंगा लो वोलेटाइल रीजन रीजन समझ देखो कितने प्यारा नोट्स फ्रेम करा है आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन को डिकोड करके कितना प्यारे नोट्स आप लोगों के सामने लेके आया समझना रीजन क्या है दे हैव वेरी हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलना बहुत मैटर कर रहा है यहां पे दे हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी एंड एन एस और सो दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग तो ये क्या बनाते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं क्या बनाते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं अब लॉजिक समझना एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एन इलेक्ट्रॉन ठीक है जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे क्या बढ़ते जाएंगे भैया आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं देखो 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 क्या पेड़ है या चादर ओढ़े है कड़ा कोई इधर देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं ठीक है क्या बढ़ते जा रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बट मैग्नीज एंड टेक्नीशियम अच्छा

क्या नोट डाउन करा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है यार बस जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं हमेशा कॉन्सेप्ट समझाने पे बिलीव रखता हूँ पे बिलीव रखता हूँ कॉन्सेप्ट समझाने पे ठीक है चलो आगे बढ़ाऊं कहानी को आगे बढ़ाऊं कहानी को तो मैं इस कहानी को समझाता हूं आगे बढ़ाते हुए देखना बात करते हैं वाई मैग्नीज शो एबनॉर्मल लो मेल्टिंग पॉइंट एज इट्स एज इट हैज डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो सुनना आंसर लिख रहा हूं मैं मैग्नीज शो मैग्नीमल मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल सही है एबनॉर्मल लो मेल्टिंग पॉइंट एज इट हैज फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन बट ज इलेक्ट्रॉन आर है पैसा लेकिन दे नहीं रहे बट दीज इलेक्ट्रॉन आर नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल फॉर मैटलिक बॉन्डिंग मैटेलिक बॉन्डिंग यह इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है बोलो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हाँ भैया हमने मान लिया कि मैग्नीश के पास डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है पैसा है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए क्या लिख रहा हूं दीज इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन आर नॉट अवेलेबल बस ये वर्ड को ध्यान रख लेना इलेक्ट्रॉन आर नॉट अवेलेबल फॉर मेटलिक बॉन्डिंग ठीक है आसान कहानी है मेरी जुबानी है क्योंकि तो अगर मेरी जुबानी कहानी है तो आसान होगी ही होगी बढ़ा दूं कहानी को आगे बढ़ा दूं कहानी को आगे चलो अगर बढ़ाऊं कहानी को आगे तो समझना समझना नेक्स्ट कहानी क्या है अनादर फैक्टर फॉर हाई एम पी एंड बीपी इज एन ऑफ एटोमाइजेशन याद रख लेना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनसीआरटी की गोटी एनसीईआरटी की गोटी नहीं गोली पहला फैक्टर मान लिया एन माइनस वन डी और एन एस अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरा फैक्टर है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए एंथेलपी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है एंथेलपी ऑफ एटोमाइजेशन कोई मेटल मैंने पकड़ी कोई मेटल मैंने पकड़ी ठीक है मेटल है मेरी मेटल बहुत सारे आटम से मिलकर बनी है क्या बोल रहा हूं मैं मेटल जो है मान लीजिए मैंने आयरन लिया आयरन लिया ठीक है आयरन बहुत टाइप के एटम से मिलके बनी है मैनी एटम से मिलके बनी है अब इन एटम के बीच में अमंग एटम किसके बीच में अमंग एटम इन एटम के बीच में कोई ना कोई जोड़ होगा ना तभी तो ये आपस में जुड़े हुए हैं इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग काम कर रही है क्या काम कर रही है मेटलिक बॉन्डिंग काम कर रही है चलो सर बिल्कुल मान लिया हमने कोई आयरन ले लिया या मेटल ले ली ठीक है इसके बहुत सारे एटम हैं और इन एटम के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग काम कर रही है इस मेटेलिक बॉन्डिंग को तोड़ के मेटलिक बॉन्डिंग को ब्रेक करके ब्रेक करके बहुत सारे एटम में से एक एटम को निकालना कहलाता है ब्रेक करके आपके एक, एक एटम को बनाना कहलाता कहलाता है कहला कहला है ऑफ ऑफ एटोमाइजेशन एटोमाइजेशन क्या आप देखेंगे थ्री सीरीज से ज्यादा फोर सीरीज का मेल्टिंग से ज्यादा फाइव का क्योंकि बढ़ती गई तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते गए मतलब समझो ना जो चीज एंथेल ऑफ एटोमाइजेशन क्या है तोड़ा तो एटम बन गया और जब ये जोड़ा तो मेटलिक बॉन्डिंग हो गई और अगर मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है मतलब एंथेलेपी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा लगेगी और एंथेलेपी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा लगेगी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे मतलब क्या फैक्टर समझ आया एंथेलेपी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ी तो एमपी और बीपी भी क्या होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे लॉजिक समझना लॉजिक समझना अगर मैं 3D, 4D और 5D सीरीज का ये डायग्राम एन से उतारूं, एन से उतारने की कोशिश करूं, एन से उतारने की कोशिश करूं, ठीक है और मैं इस डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूं, क्योंकि मैंने आपसे एक ही कहा जहां एग्जामिनर ना पहुंच पाए वहां पहुंचेंगे मैग्नेट ब्रेन में सर के बच्चे जहां भी एग्जामिनर ना पहुंच पाए उससे पहले अपन पहुंच जाएंगे और इस एनसीईआरटी के डायग्रामेटिक क्वेश्चन को समझना अगर मेरा मान लीजिए यहां स्कैंडियम है चलो भैया मैं तो एनसीईआरटी से भी ज्यादा बता देता हूं फिर टाइटेनियम ठीक है रे भैया फिर वेनेडियम अभी बनाया था भैया फिर क्रोमियम ठीक है रे भैया मैग्नीज का सडन डाउनफॉल हुआ क्यों पैसा है देना नहीं है पैसा है मेरे पास लेकिन देना नहीं है ना स्टेबल हूं मैं ठीक है भैया फिर आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और निकल कॉपर और जिंक तो होगा तो ट्रांजिशन होगा डी फाइव कॉन्फिग्रेशन स्टेबल हूं अपने इलेक्ट्रॉन बॉड निकल नहीं दूंगा जो करना है कर लो मेरा ठीक है फिर रुदेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर और कैडमियम ठीक है सर मजेदार बात ला हफ्ता टंगस्टन क्या मैंने लेक्चर के बीच में बताया था कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट देखने में मिलता है अपने को डी ब्लॉक एलिमेंट में कितना करीब 3683 सिक्स कैलविन के बीच में ठीक है. है कितना और ये मेटल के बीच में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है देखो ये फोर देखो देख रहे हो आप फोर फोर थाउजेंड के समथिंग आ जाता है थ्री सिक्स एट थ्री फिर रियनियम ऑसमियम प्लेटिनम और ये, uh, इधर आ जाएगा आपका कौन मरकरी आ जाएगा मरकरी का तो बहुत ही कम होता है हो, तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है कितने स्टेट में पाया जाता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है तो क्या आपने कहानी को समझ लिया कि हाँ सर हम अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई पाए जाते हैं लेकिन वो किस वजह से होते हैं डी इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उस वजह से और दूसरा एंथेलपी ऑफ एटोमाइजेशन की वजह से लेकिन दो एक्सेप्शन बोलो मेरे संग जय हिंद नहीं सर जय हिंद तो था अपना और जय हिंद रहेगा भी ठीक है तो दूसरा आ, क्या बोला मैंने यार एक्सेप्शन आपका मैगनीज देखने मिलेगा आपको और टेक्नीशियम देखने मिलेगा लॉजिक क्लियर है ना आसान है ना कहानी यस सर आसान है कहानी चलो अगर ये कहानी आसान है तो अगली कहानी देखते हैं चलिए अब अगर अपन बात करें क्या देख लिया सारे के सारे मेटल मेटलिक प्रॉपर्टी देख ली दूसरा क्या देख लिया दूसरा सर हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में चाहे लेंथेनिक कॉन्ट्रेक्शन हो चाहे स्क्रीन हो सारी कहानी निपटा दी तीसरी सर हमने डेंसिटी वेंसिटी के बारे में कहानी निपटाई चौथी मुझे मेल्टिंग पॉइंट बिटा कॉम्पिटिशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट लगता है मैंने डिटेल बता दी इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा टेंशन ना लीजिए सारे एक्सेप्शन और सारी जितना भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो कर दिया अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी अब लॉजिक एक आपके दिमाग में हमेशा बैठा दूं वट इज आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट इस चीज को क्लियर करना कोई मेरा आइसोलेटेड गैसेस आइटम है आइसोलेटेड लेते हैं बेटा अकेले रहो तो तुम किसी से इंट्रैक्शन नहीं करोगे जितना आएगी एनर्जी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कोई आइसोलेटेड गैशेस एटम है उसमें से वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे चिपका हुआ है देखो ना मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है और मुझे उस टुकड़े से अट्रैक्शन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है अब तुमको निकालना है भगाना है तो बेटा तुमको ना जोर जबरदस्ती करके ही भगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन तभी निकलना चाहेगा जब उसको बाहर से एनर्जी मिलेगी और इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा ठीक है तो आइसोलेटेड गैशियस एटम से आइसोलेटेड गैशियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली एनर्जी लगने वाली एनर्जी एनर्जी मतलब लग रही है मतलब पॉजिटिव रिएक्शन है ठीक है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन लगने वाली एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी अब मेरी बात सुनना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कब होती है आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा जब आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने मिल जाए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने मिल जाए अगर कोई इंसान स्टेबल है तो उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉन क्यों देगा तो भैया हमेशा याद रखना कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई मिलेगी चलो ठीक है अब मैं जनरल बात करूं जनरल बात कर रहा हूं मैं लेफ्ट से राइट right जाऊं किसी पीरियड में ये मेरा पीरियड है लेफ्ट है ये मेरा राइट right है लेफ्ट से राइट right जाऊं या अलोंग द पीरियड जाऊं कैसा जाऊं अलोंग द पीरियड जाऊं अलोंग द पीरियड जाऊं तो अलोंग द पीरियड में जैसे जैसे जाता जा रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है बिल्कुल सही है और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी क्या बढ़ती जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी ठीक है सर अब आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते चलो ठीक है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शनली हाई पहला एक्सेप्शन लॉजिक समझते चलना सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो आएंगे मैं पूरे डील करते हुए चल रहा हूं ठीक है मैंने क्या कहा अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा देखने मिलेगी क्या बोल रहा है सेकंड आयोनाइजेशन फर्स्ट की बात नहीं कर रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शनली हाई बोलने की जरूरत नहीं है थ्री सीरीज के दो एक्सेप्शन थे क्रोमियम था थ्री डी कॉपर जो कि था थ्री डी टेन

अब पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉजिक समझना। समझनाइजेशन एनर्जी फोर्टी एलिमेंट ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन आप फाइव डी में जैसे ही जाओगे किसमें जाओगे फाइव डी में जैसे ही जाओगे जैसे देखो फाइव डी सीरीज बता दे रहा हूं आपको एक बार फाइव डी ला हफ ता लेंथ है ना 57 था तुम 72 थे यहाँ 14 एलिमेंट आ चुके हैं कितने एलिमेंट आ चुके हैं 14 एलिमेंट आ चुके हैं तो आप फाइव डी सीरीज में जैसे ही जाओगे तो फोर डी की तुलना में आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है आपको क्या लग रहा होगा डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रहा है साइज तो बढ़ता नहीं है एज वेल एज फाइव डी में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो फोर डी की तुलना में फाइव डी की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ड्यू टू लेंथे नॉइड कॉन्ट्रेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे को ये लगता है कि थ्री डी की ज़्यादा फिर फोर डी की कम और फाइव डी की और कम लेकिन थ्री डी की ज्यादा होती है क्या बोल रहा हूं मैं थ्री डी की ज्यादा होती है फिर किसकी फिर सॉरी इसको अभी ऐसे मत समझो थ्री डी की सबसे ज्यादा आप लोगों को लग रहा होगा फिर 4d फिर 5d लग ऐसा रहा होगा लेकिन होता क्या है बेटा 5d डी में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल जाता है इसलिए 5d की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा देखने मिल जाती है और वो तो 4d से भी ज्यादा होती है किससे ज्यादा होती है फोर से भी ज्यादा होती है चलो इसको ऐसे समझते हैं आपके पास मरकरी जिंक और कैडमियम है क्या है मरकरी जिंक और कैडमियम है मरकरी जिंक और कैडमियम कौन से ग्रुप के मेंबर होते हैं ग्रुप ट्वेल्व के मेंबर होते हैं ये थोड़ा एनसीआरटी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ एन प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट रटा सकूं मैं ठीक है ग्रुप ट्वेल्व में आते हैं ठीक है क्या होता है जिंक होता है थ्री सीरीज का कैडमियम होता है फिर मरकरी होता है लेकिन अभी भी हमने कहे कि भैया इनमें तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन देखने मिल रहा है सारे के सारे लेंथेनम लेंथेनोइड uh, के बाद आए तो भैया लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है इसलिए मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा देखने मिलेगी तुम तो कम ही आओगे फिर जिंक की देखने मिलेगी जिंक की देखने मिलेगी फिर किसकी देखने मिलेगी कैडमियम की देखने मिलेगी बोलो क्लियर है बोलो क्लियर है Clear है ना ठीक है तो इसको याद रखने का तरीका एक छोटी सी जंगल दे रहा हूं अगर आप लोगों को ठीक लगे तो ये एक छोटी सी जिंगल, जिंगल है मजाक मरकरी तो मा मतलब जिंक म जा, और क, क मतलब कैडमियम कैडमियम मजाक मरकरी फिर जिंक फिर कैडमियम ठीक है ठीक है ये हो गई अपनी किसकी ग्रुप ट्वेल्व की बात चलो ऐसे ही मैं कॉपर सिल्वर गोल्ड की बात करूं किसकी बात करूं कॉपर सिल्वर गोल्ड की बात करूं ठीक है ये किसकी बात कर रहा हूं मैं ग्रुप इलेवन की बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं ग्रुप इलेवन की बात कर रहा ग्रुप इलेवन की बात कर रहा हूं ग्रुप इलेवन में कौन कौन आते हैं इधर आता है आपका कॉपर ठीक है फिर आता है सिल्वर और फिर कौन आता है गोल्ड आता है अब मैंने क्या कहा ये कौन से का मेंबर है ये थ्री डी का मेंबर है ये किसका में फोर डी का मेंबर है ये किसका में फाइव डी का मेंबर है फाइव डी की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है लेंथेनोइड एंड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से तो भैया कौन आ जाएगा पहले गोल्ड आ जाएगा फिर कौन आ जाएगा भैया अपना कॉपर आ जाएगा और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा भैया अपना सिल्वर आ जाएगा कौन आ जाएगा भैया अपना सिल्वर आ जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो अपने को क्या समझ आ गया ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अब मैं ये दूसरे टर्म में ये भी लिख सकता हूं कि अगर कोई भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 73 से 80 के बीच में पाया जा रहा है लॉजिक समझ आया ना 72 से बोल दो ज्यादा सही रहेगा 72 से 80 के बीच में पाया जा रहा है। के बीच में में पाया पाया जा जा रहा रहा है है किसके 73 मान लो 73 से 80 के बीच में पाया जा रहा है ठीक है तो उसका द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 73 थ्री टू एटी इज हायर देन एलिमेंट प्रेजेंट अबाउट तो इससे ऊपर जो एलिमेंट होंगे मतलब फोर्डी के जो एलिमेंट होंगे ठीक है और 73 से 80 के बीच में जो एलिमेंट पाए जा रहे होंगे तो 73 से 80 के बीच में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी उनके जस्ट ऊपर प्रेजेंट एलिमेंट मतलब फोर्डी के एलिमेंट से ज्यादा होती है लिखने का ये तरीका हो सकता है या ये तरीका हो सकता है एग्जामिनर जो तरीका फॉलो करें आप किसी की भी बात करें आप तहलका मचा देंगे आप किसी की भी बात करें आप तहलका मचा देंगे चाहे आप टर्म एग्जाम की बात करें चाहे आप कॉम्पिटिशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हो दिस इज वेल गुड नोट्स फॉर यू ठीक है बोलो क्लियर हो गई कहानी बढ़ जाऊं आगे सिंपल है ना क्या इसमें कोई दिक्कत थी सर दिक्कत तो कुछ भी नहीं थी तो मैं आगे बढ़ता हूं इस कहानी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता हूं देखना चलो क्वेश्चन समझना वाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज एक्सेप्शनली हाई एक्सप्लेन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वो एग्जामिनर है कैसे भी क्वेश्चन पूछे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है मतलब उसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है चलो मैग्नीज क्या होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ही डिसाइड करेगा कि भैया आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या फ्लैक्चुएशन देखने मिल रहा है मैग्नीज जिसका एटोमिक नंबर होता है ट्वेंटी मतलब मैंने लिख दिया थ्री डी फाइव फोर एस टू ठीक है एक इलेक्ट्रॉन निकाला आयोनाइजेशन एनर्जी वन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल आयोनाइजेशन एनर्जी टू और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो थ्री डी फाइव में से निकल रहा है किसमें से निकल रहा है थ्री डी फाइव में से तो भैया थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से निकलेगा इसीलिए उसकी एनर्जी भी एक्सेप्शनली हाई देखने मिलेगी मैंने आपसे कहा अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई देखने मिलती है तो मैं क्या लिख रहा हूं द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज एक्सेप्शनली हाई एक्सेप्शनली हाई exceptionally high because because the electron the electron is removing from stable 3d5 ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशन बोलो क्लियर हो गया बोलो क्लियर हो गया चलो yes यह एक, एक और क्वेश्चन स्कैंडियम प्लस टू की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या स्कैंडियम प्लस थ्री की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इन दोनों के बीच पूछ लिया जाए स्कैंडियम प्लस टू और स्कैंडियम प्लस थ्री पूछ लिया जाए चलो देखते हैं स्कैंडियम कितना होता है सर स्कैंडियम ट्वेंटी वन होता है थ्री डी वन 4s2. स्कैंडियम स्केंडियम प्लस टू का मतलब क्या है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं. स्कैंडियम प्लस टू का मतलब है भैया 3d1, 3d1 बचा हुआ है. और स्कैंडियम प्लस थ्री का मतलब क्या है कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया मतलब 3d0 और 4s0. भैया अब ध्यान दीजिए किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी सर ये तो डी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लेकिन इसने तो स्टेबल नो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन प्राप्त कर, कर लिया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन प्राप्त कर लिया कितना प्राप्त कर लिया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन प्राप्त कर लिया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा इसीलिए स्कैंडियम की ज़्यादा होगी किसकी तुलना में स्कैंडियम प्लस टू की तुलना में वेरी इंपॉर्टेंट कहानी सर अगर स्कैंडियम प्लस टू और स्कैंडियम प्लस थ्री की बात करें तो भैया दो इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो आपका क्या हो गया थ्री डी वन हो गया D1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो गया 3d0, 4s0 जीरो फोर एस जीरो हो गया ये तो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अरगॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन प्राप्त कर लिया और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा बोलो क्लियर है एक और क्वेश्चन करो व्हाट मेक्स यू परफेक्ट

ये नाम मोह तक रूरा पड़ी आग में सड़ी थर्टी नाइन से फोर्टी एट फिर आप फाइव डी सीरीज की बात करें लेंथ एनम फिफ्टी सेवन होता है उसके बाद फिफ्टी एट से सेवेंटी वन गायब फिर हैफेनियम चालू होता है 72 से मरकर 80 तक जाता है और क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए चलो 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 आयरन ट्वेंटी सिक्स होता है 4s2 होता है चलो रे भैया लेकिन हमें आयरन नहीं चाहिए हमें आयरन प्लस टू चाहिए चलो आयरन प्लस टू कैसे आया कैसे आया दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अपना बच गया थ्री ठीक है अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो ठीक है आसान है एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेकिन अगर आपने आयरन प्लस दो ये और एक ये निकल गया आयरन प्लस थ्री आपका क्या बच गया थ्री बच गया आप खुद ही बताइए एक थ्री है एक थ्री है एक थ्री है एक थ्री किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ऑब्वियसली सर डी फाइव हाफ फिल्ड है कैसा है हाफ फिल्ड है कैसा है हाफ फिल्ड है अगर हाफ फिल्ड है मतलब कैसा होगा एक्स्ट्रा स्टेबल होगा कैसा होगा एक्स्ट्रा स्टेबल होगा और अगर एक्स्ट्रा स्टेबल होगा मतलब सर क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी मोर होगी कैसी होगी मोर होगी मतलब मैं लिख सकता हूँ आयरन प्लस की ज्यादा होगी किसकी तुलना में आयरन प्लस की तुलना में ये एक और क्वेश्चन कर दिया ये एक और क्वेश्चन कर दिया बोलो क्लियर है बोलो क्लियर है प्लीज इसे नोट डाउन करें प्लीज इसे नोट डाउन करें ठीक है आसान है ना कहानी आसान बनानी पड़ती है जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता हर चीज को आसान बनाना पड़ता है हर चीज को आसान बनाना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट कहानी नोट डाउन कर लिया चलो नेक्स्ट कहानी समझना है अपनी कहानी हो गई आयरन कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी टू गया तीसरा निकाला आयोनाइजेशन एनर्जी थ्री तीन निकालने के बाद क्या बच गया तीन निकालने के बाद क्या बच गया थ्री डी फाइव चौथा इसमें से निकलेगा एनर्जी फोर कैसा है फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन है ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, थ्री डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये हो गई अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी की भी कहानी बोलो कौन सी कहानी हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी की भी कहानी कौन कौन सी प्रॉपर्टी अभी तक अपन ने निपटा दी सर मेटल होता है मेटलिक प्रॉपर्टी निकाल दी ठीक है दूसरा सर हमने इनकी रेडियस क्या होती है एटॉमिक रेडियस निपटा दी एटॉमिक रेडियस निपटा दी तीसरा सर हमने इनकी आ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैगनीज और टेक्नीशियम की कहानी में एक्सेप्शन क्यों देखने मिलता है ये निपटा दिया हमने एटॉमिक रेडियस में लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन क्या है लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन क्या है ठीक है फोर और फाइव में रेडियस सेम क्यों होते हैं ये कहानी अपन ने निपटा दी चौथी कहानी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की निपटा दी इसमें वर्ड क्या इंपॉर्टेंट रखना है अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है स्टेबल हैं तो एनर्जी कैसी हो हाई हो कैसी होगी 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 हाई हाई हो सर इसको हमने निपटा दिया नहीं अभी बाकी है कहानी ठीक है, अभी बाकी है कहानी अब बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में किसके बारे में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ठीक है चलो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट में एन माइनस वन डी वन से टेन और एन एस जीरो से टू बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसी वजह से ये क्या शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ये इनका पिक्यूलियर फीचर होता है आप ग्रुप वन की बात करोगे सिर्फ प्लस वन शो करेंगे ग्रुप टू की बात करोगे सिर्फ प्लस टू शो करेंगे ग्रुप थर्टीन की बात करोगे चलो प्लस वन प्लस थ्री शो करते हैं ग्रुप फोटीन प्लस टू प्लस फोर शो करते हैं ऐसी कहानी आप देखेंगे लेकिन ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कैसी शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लॉजिक समझना ट्रांजिशनल एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज द पिक्यूलियर फीचर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनका पिक्यूलियर फीचर एंड दिस इज द पिक्यूलियर फीचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ये क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट का पिक्यूलियर फीचर है ये किस वजह से होता है ये होता है एन माइनस वन डी एंड एन एस इलेक्ट्रॉन बोथ टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबल इफ दे बाइंड विथ फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन लॉजिक समझना भैया हमें समझ आ गया कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं क्या शो कर रहे हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो वजह क्या बताइए आपने बहुत सारे एन माइनस वन डी और एन एस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है समझ आ गया लेकिन कब हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे ये हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तब दिखाएंगे जब ये बाइंड होंगे किसके साथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्यों क्योंकि सर फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं अब कोई मान लीजिए प्लस सेवन दिखा रहा है या प्लस सिक्स दिखा रहा है प्लस सिक्स दिखा रहा है मतलब उसको होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए प्लस सिक्स वो डोनेट कर तो उसको होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लॉजिक सुनना कि भैया ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ठीक है बहुत सारी दिखा रहे हैं इसमें से भी फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बाकी किसी के साथ नहीं दिखाएंगे ठीक है सर लॉजिक समझना एलिमेंट विच शो मोस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सीरीज कहां प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द सीरीज में प्रेजेंट होता है लॉजिक समझना स्कैंडियम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन थ्री डी वन फोर एस टू है ये सिर्फ प्लस थ्री दिखाता है ये सिर्फ क्या दिखाता है प्लस थ्री दिखाता है टाइटेनियम की बात करूं किसकी बात करूं टाइटेनियम की बात करूं क्या होता है थ्री डी टू फोर एस टू होता है क्या होता है थ्री डी टू फोर एस टू होता है चलो सर मैंने देख लिया ये दो इलेक्ट्रॉन दिया कितना दिखाया प्लस टू एक और दिया कितना दिखाया प्लस थ्री एक और दिया कितना दिखाया प्लस फोर स्कैंडियम ओनली ट्रांजिशनल एलिमेंट है जो वेरिएबल नहीं दिखा रहा है जिंक को तो अपन मानते नहीं लॉजिक समझ रहा है. वेनेडियम क्या होता है थ्री डी थ्री होता है फोर एस टू होता है दो दिया प्लस टू फिर एक दिया प्लस थ्री फिर एक दिया प्लस फोर फिर एक दिया प्लस फाइव क्रोमियम की बात करें थ्री डी फाइव फोर एस वन होता है ये कितनी शो करेगा प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव एक और प्लस सिक्स अब लॉजिक समझना मैं मैग्नीज की बात करूँ मैग्नीज की बात करूँ क्या होता है थ्री डी फाइव फोर एस टू होता है क्या शो करेगा प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन शो करेगा अब मैग्नीज सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा इन 3d सीरीज अब अगर मैं बात करूं किस पे आ जाऊं आयरन पे आ जाऊं अब लॉजिक समझना ये थ्री डी सिक्स फोर एस होता है क्या होता है थ्री डी सिक्स फोर एस होता है एक दो तीन चार पांच और ये छठवा और ये एन ठीक है दो इलेक्ट्रॉन दिया प्लस टू दिखाया फिर एक दिया प्लस थ्री दिखाया फिर एक दिया फिर एक दिया प्लस फोर दिखाया फिर एक दिया प्लस फाइव दिखाया फिर एक दिया प्लस सिक्स दिखाया लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि वो पेयर्ड हो गए अब ऐसे ही आयरन कोबाल्ट पे जाओगे कोबाल्ट पे जाओगे थ्री डी सेवन होता है फोर एस टू होता है कितना होता है थ्री डी सेवन होता है फोर एस टू होता है एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है और ये दो इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन प्लस टू दिखाएगा प्लस थ्री दिखाएगा प्लस फोर दिखाएगा प्लस फाइव दिखाएगा और नहीं दिखाएगा और नहीं दिखाएगा लॉजिक समझ आ रहा है मतलब वेरिएबल मोस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कहां देखने मिलेंगे सिर्फ सेंटर में देखने मिलेंगे कहा देखने मिलेंगे सेंटर में स्कैंडियम की बात करोगे थ्री डी वन फोर एस टू होता है सिर्फ ये प्लस थ्री दिखाता है स्कैंडियम थ्री डी सीरीज का अकेला मेंबर है जो कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एनसीआरटी ने यह क्वेश्चन भी पूछा है एनसीआरटी ने यह क्वेश्चन भी पूछा है कि बताओ थ्री डी सीरीज का कौन सा मेंबर है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता जिंक टिक कर

मजेदार बात आयरन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स मोस्टली फेरस और फेरिक ही देखने मिलती है जो फेराइल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बहुत कम देखने मिलती है अपने को मोस्टली फेरस और फेरिक ही देखने मिलेंगी ठीक है तो आयरन प्लस टू या प्लस थ्री मैक्सिमम दिखाता है लेकिन प्लस वन जो सिर्फ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में दिखाता है कौन सा कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है ये नाइट्रेट का टेस्ट होता है किसका टेस्ट होता है नाइट्रेट का टेस्ट होता है बेटा और याद रखना इसमें जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स होता है एफ ई एच टू ओ होल फाइव एनओ जिसमें एनओ NO अपना लोन पेयर आयरन को दे देता है या इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देता है आयरन प्लस टू से प्लस वन में कन्वर्ट हो जाता है किस पे प्लस टू से प्लस वन में कन्वर्ट हो जाता है और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन प्लस टू और प्लस वन शो करता है वजह क्या थी एनओ NO ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया क्या हो गया प्लस टू से एक इलेक्ट्रॉन माइनस वन प्लस टू माइनस वन प्लस वन कितना देखने मिलेगा प्लस वन वजह क्या है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन चार्ज का ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है एनओ से आयरन प्लस वन में हो रहा है ये मैंने आयरन ग्रुप फिफ्टीन में भी पढ़ाया हुआ है नाइट्रेट के टेस्ट में किसमें पढ़ाया हुआ है ग्रुप फिफ्टीन में नाइट्रेट के टेस्ट में कि आयरन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट किस में शो करता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स प्लीज इसे नोट डाउन करें तहलका मचा दोगे याद रखना जहां ना पहुंचेगा एग्जामिनर चाहे नीट और जेई की बात कर लो इनऑर्गेनिक में मैं वादा करता हूं एनसीईआरटी में हम इतना पढ़ा देंगे कि आप तहलका मचा देंगे जहां एग्जामिनर नहीं पहुंचेगा वहां तक पहुंचेंगे आप और ये रहा वादा अनुराग सर का चलो सर बिल्कुल सर क्या आप तो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं सर आपने मजा आ गया बोलो मजा आ गया यार आज तो चलो बढ़ाते हैं कहानी को आगे नोट डाउन करा चलो मुझे खुद मजा आ गया अब बात करते हैं ये देखो आपको अलग अलग देखने मिल रही है प्लस ये चार्ट बना लो। वो नहीं बनाया तो ये चार्ट बना लो आप लोग ये चार्ट बना लो क्लियर है क्लियर है जिंक ओनली लेकिन थ्री 3d सीरीज का ओनली मेंबर है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता अगली कहानी है ऑक्सीडेशन स्टेट की डी ब्लॉक एलिमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बोला कि प्लस टू दिखा रहा है फिर प्लस थ्री दिखा रहा है फिर प्लस फोर दिखा रहा है एक ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का डिफरेंस कितना है वन है कितने का डिफरेंस है वन का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी यूनिटी मतलब वन क्या मैं ये वर्ड कह सकता हूं इन डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी मैं कह सकता हूं यस yes, सर आप कह सकते हैं तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट वन ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी फ्रॉम अनादर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूनिटी बट इन नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट इट डज नॉट वेरी बाय यूनिटी इट डज नॉट वेरी बाय यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डी ब्लॉक में

दिखाता है एन एस टू एनपी वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट और पूरे के पूरे दिया तो प्लस थ्री ऐसे ही ग्रुप फोर्टी की बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है एन एस टू एनपी टू दो दिए तो प्लस टू और पूरे के पूरे ये दो दिए तो प्लस फोर क्या आप देख सक रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस यूनिटी नहीं है इनके बीच का डिफरेंस यूनिटी नहीं है अगला इंपॉर्टेंट बात और अगली इंपॉर्टेंट बात और अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं किसकी बात करूं मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो जो भी हेवियर एलिमेंट होते हैं आप देखिए ना आप देखिए ना ये नोट डाउन कर लिया ना हाँ आप देखिए ना इधर पीछे जाऊं मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो देखो जैसे जैसे हम हैवियर मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो भैया प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा होगा मतलब मास भी बढ़ रहा होगा तो हैवियर एलिमेंट जितने भी हैं हैंवियर एलिमेंट जितने भी हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो ये एनसीईआरटी कहती है इन डी ब्लॉक एलिमेंट हैवियर एलिमेंट प्रिफर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट लेकिन अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करो किसकी बात करो पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करो तो जो हैवियर एलिमेंट होते हैं वो प्रिफर करते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है ये कहानी समझना पी ब्लॉक एलिमेंट है ठीक है पी ब्लॉक एलिमेंट मैं मान लीजिए मैंने ग्रुप थर्टीन लिया क्या लिया ग्रुप थर्टीन लिया ग्रुप थर्टीन में कौन कौन आते हैं बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम ये आते हैं बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कह दिया भैया सेकंड पीरियड में आता है तो 2s2 2p1 एन एस टू एन पी वन होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इसका बोल दिया भैया थ्री एस टू थ्री पी वन इसका बोल दिया भैया मैंने फोर एस टू फोर पी वन इसका बोल दिया भैया मैंने फाइव एस टू फाइव पी वन और इसका बोल दिया भैया मैंने सिक्स एस टू सिक्स पी वन ये मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया अगर मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बोल दिया तो अगर तीनों के तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन की टेंडेंसी नीचे जाने पे बढ़ रही है मतलब क्या है देखो यहाँ लिखा हुआ है प्लस वन की टेंडेंसी नीचे जाने पर बढ़ रही है मतलब जो हैवियर एलिमेंट होंगे वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा हैं तो ये लिखा है ना इन पी ब्लॉक एलिमेंट हैवियर एलिमेंट प्रीफर लो ऑक्सीडेशन स्टेट

वियर एलिमेंट प्रीफर हैवियर एलिमेंट प्रीफर लो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो क्लियर हो गया बोलो क्लियर हो गया यस yes, अगर क्लियर हो गया तो कहानी को आगे बढ़ा ले क्लियर हो गया तो कहानी को आगे बढ़ा ले क्या आसान थी कहानी चलो देखना चलिए अगला देखना अगर मैं ग्रुप सिक्स की बात करूं कौन आते हैं ग्रुप सिक्स में समझना ठीक है मैं इधर लिख रहा हूं ग्रुप थ्री ठीक है फोर फाइव शक्ति कर ठीक है क्रोमियम आ गया थ्री सीरीज में ये जर मोह तक मोलिपडेनम आ गया ला हाफ ता वरियस, ये टंगस्टन आ गया ये हो गया अपना ग्रुप सिक्स ग्रुप सिक्स की बात करूं तो मोलिपडेनम देखो अभी हमने देखा था इधर देखा था कि ग्रुप सिक्स में मैक्सिमम सिक्स तक जा सकती है ग्रुप सिक्स में मैक्सिमम सिक्स तक जा सकती है तो लॉजिक समझना अगर मैं ग्रुप सिक्स की बात करूं तो मोलिपडेनम भी प्लस सिक्स दिखा सकता है टंगस्टन भी प्लस सिक्स दिखा सकता है लेकिन ये दोनों स्टेबल होती हैं, ये दोनों कैसी होती हैं स्टेबल होती हैं, लेकिन अगर आप टंगस्टन की बात करो तो भैया किसकी क्रोमियम की बात करो तो क्रोमियम उतना स्टेबल नहीं होता क्रोमियम उतना स्टेबल नहीं होता क्रोमियम उतना स्टेबल नहीं होता तो लॉजिक समझना मोलिपडेनम प्लस सिक्स एंड टंगस्टन प्लस सिक्स आर मोर स्टेबल आर मोर स्टेबल आर मोर अरे भाई मिट जाओ क्या हो रहा है मोलिब्डेनम प्लस सिक्स एंड टंगस्टन प्लस सिक्स आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम प्लस सिक्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक एलिमेंट इज प्लस एट जो डी ब्लॉक एलिमेंट में हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलती है बेटा वो होती है प्लस एट किसमें देखने मिलती है ऑस्मियम और में किसमें देखने मिलती है ऑस्मियम और उदेनियम बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे डी ब्लॉक में देखने मिलती है थ्री की बात करें याद रखना है थ्री डी की बात करें तो मैग्नीज जिसमें प्लस सेवन लेकिन अगर आ, पूरे डी ब्लॉक की बात करें तो ऑस्मियम और रुदेनियम में देखने मिलेगी कितनी प्लस एट कितनी देखने मिलेगी प्लस एट वो क्लियर है यस सर क्लियर है और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखने मिलती है डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या देखने मिलती है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो डी ब्लॉक एलिमेंट में देखने मिलती है वो कार्बोनिल कंपाउंड में जब कार्बोनिल कार्बोनिल क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड प्रेजेंट होता है आगे आने वाले लेक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा कि जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक एलिमेंट में देखने मिलती है वो कितनी होती है अपनी जीरो ठीक है और ये जो एग्जाम्पल कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो एग्जाम्पल होते हैं सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्डिंग के क्या है ये कहानी आने वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगी सिग्मा पाई मेटलिक कंपाउंड मेटलिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा हो जो सिग्मा हो सकता है पाई हो सकता है सिग्मा पाई एक साथ पाए जाए में पाए जाते हैं कार्बोनिल में पाए जाते हैं तो निकिल टेट्रा निकिल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड देखे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो जीरो डाइकोवाल कार्बोनिल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको स्पेसिफिकली कितनी देखने मिलेगी जीरो देखने मिलेगी कोई भी आपका क्या दिख जाए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ओ सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड दिख जाए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है जीरो होती है तो हाइएस्ट कितनी है प्लस एट लोएस्ट कितनी है जीरो क्लियर हो और वे वेरिएबल तो शो करना इनकी पिक्यूलियर प्रॉपर्टी कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है क्रोमियम प्लस सिक्स से ज्यादा स्टेबल है ग्रुप में 6 और टंगस्टन ये एनसीईआरटी की कहानी है सिर्फ एनसीईआरटी की गोली है ये दिया हुआ है पूरा रट लेना है एनसीआरटी की गोली दी हुई है वहां पर आपको मैं बोल रहा हूं इसके बाद एनसीआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोलो नोट डाउन करा नोट डाउन कर लिया अगर नोट डाउन कर लिया तो कहानी को आगे बढ़ा दू बढ़ा दू चलो देखना अगला है आयरन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में किस में ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में अभी मैंने बताया था एफ एस टू होल फाइव एनओ और फिर प्लस टू और इसकी वजह क्या होती है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन किसके लिए होता है ब्राउन रिंग टेस्ट ब्राउन रिंग टेस्ट होता है आपने किसके लिए नाइट्रेट के टेस्ट नाइट्रेट का टेस्ट होता है क्या होता है ब्राउन रिंग टेस्ट एक बार देख लेना थोड़ा डेफ्थ में जा रहा हूं ठीक है आपने यहां पर मान लीजिए अगर आपका नाइट्रेट है क्या है नाइट्रेट है आपको यहां पर अगर इसका टेस्ट करना है आपको इसका टेस्ट करना है आप डाल दो एफ ई एस ओफ फोर क्या डाल दो एफ ई एस ओ फोर डाल दो ठीक है आप क्या डाल दो एस टू एस ओ फोर डाल दो क्या डाल दो एफ एच टू एस ओ फोर डाल दो और क्या डाल दो नाइट्रेट डाल दो तो भैया जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे आपको एक ब्राउन कलर की रिंग दिखेगी क्या दिखेगी ब्राउन कलर की रिंग दिखेगी जिसे अपन क्या कहेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट कहें किस वजह से होती है इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन की वजह से होती है जस्ट एक एग्जांपल बता मतलब एक ओवरव्यू दे दिया है मैंने आप ग्रुप फोटी फिफ्टीन में मैंने इसे डिटेल में बताया हुआ था क्लियर है क्लियर है क्वेश्चन यही पूछा जाएगा मैंने आपको बता दिया ठीक है नेक्स्ट कहानी अगली कहानी है एम ओ प्लस सिक्स मोलिम एम ओ थ्री है ऑक्सीडेशन प्लस सिक्स है और टंगस्टन ओ थ्री डब्ल्यू ओ थ्री जिसमें प्लस सिक्स आर नॉट बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है कि एम ओ प्लस थ्री और डब्ल्यू ओ थ्री एम ओ थ्री और डब्ल्यू ओ थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव नहीं करते लेकिन क्रोमियम प्लस सिक्स बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बताओ क्यों तो समझना जो क्रोमियम प्लस सिक्स होता है वो कैसा होता है अनस्टेबल होता है क्या होता है अनस्टेबल होता है जबकि 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 आपका मोलिब्डेनम प्लस सिक्स ऑंड टंगस्टन प्लस सिक्स कैसे हैं स्टेबल है स्टेबल हैं इसीलिए अगर आपने कहा कि भैया सी आर प्लस सिक्स बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद अनस्टेबल है तो टूट जाएगा और खुद का क्या कर लेगा रिडक्शन कर लेगा खुद का क्या कर लेगा रिडक्शन कर लेगा टूट जाएगा इसी वजह से भैया हमने क्या कहा कि भैया मोलिब्डेनम प्लस सिक्स और टंगस्टन प्लस सिक्स स्टेबल है तो एमओ ओ थ्री और डब्ल्यू ओ थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है लेकिन सीआर प्लस सिक्स अनस्टेबल है देखो उसका यूज देख लिया आपने पीछे जो आपका स्टेटमेंट लिखा था उसका स्टेटमेंट का यूज यही है लेकिन आपका सी आर प्लस सिक्स जो कि अनस्टेबल है वो टूट जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा क्लियर हो गया क्लियर हो गया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं यस सर क्लियर हो गए ठीक है तो अब अगला क्वेश्चन है ऑफ ऑफ थ्री डी सीरीज ऑफ ट्रांजिशनल मेटल एक्सिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विच ऑफ द थ्री डी सीरीज ऑफ द ट्रांजिशनल मेटल एक्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई कौन सी है जो लार्जेस्ट नंबर में लार्जेस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है मैगनीज कितनी शो करती है प्लस सेवन में क्यों क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ एन माइनस वन डी एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन एंड एन एस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट मैग्नीश को देखोगे तो कितना देखने मिलता है अपना थ्री डी फाइव फोर एस टू देखने मिलता है दैट्स वाई ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी शो करता है क्लियर हो गया ये था अपना पार्ट वन डी ब्लॉक एलिमेंट का आने वाले पार्ट में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ठीक है और इनकी कहानी खत्म करूँगा बहुत सिंपल तरीके से मैं डी ब्लॉक एक बार में जाऊँगा बेटा लेक्चर बहुत लंबा होगा लेंदी होगा आपको मज़ा नहीं आएगा इसलिए दो पार्ट में खत्म या दो या तीन पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी मज़ा आ जाए ताकि आपको भी मजा आ जाए और जैसे मैंने कहा था बेटा कि पहले ये जो मैं वन शॉट करा रहा हूं इससे क्या होता है एक बार में आपको एक जगह हर चीज मिल जाती है इसीलिए अगर आप टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं यह मत समझिएगा कि वन शॉट में मैंने कोई चीज छोड़ी है कुछ भी नहीं छोड़ा है कुछ भी नहीं छोड़ा है सब कुछ आपके लिए दे दिया सब कुछ दे दिया बेटा वादा करा था पहले मैंने सोचा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने का सुनना कोई बच्चा कमेंट मत करना कि आपने पहले इलेक्ट्रोकेम फिर मैंने सोचा कि भैया पहले इनऑर्गेनिक के जो ये रटने वाले चैप्टर हैं जल्दी कर लो तो आप जल्दी रट रट के इनको अलग कर दोगे तो इसीलिए मैंने ट्वेल्थ का सबसे पहला डी एंड एफ ब्लॉक इसके बाद कोऑर्डिनेशन शुरू करूंगा और ये दो चैप्टर जो कहते हैं कि काफ़ी रटने वाले हैं टफ लगते हैं बच्चों को ताकि ये निकाल सको जैसे पी ब्लॉक के वन शॉट अपन ने तहलके के साथ खत्म करें ना वैसे ही इसको भी अपन ने खत्म कर दिया चाहे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें चाहे आप इलेवंथ ट्वेल्थ ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं अब कुछ भी पढ़ो आपको इसमें से बाहर नहीं जाएगा अब आपको क्या करना है मैं हमेशा कहता हूं कि हम एक टू वे इंटरेक्शन क्रिएट करना चाहिए अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर कैसी चल रही है पढ़ाई कैसा रहा तो मैं भी अपनी तरफ से दिलो जान लगा के मेहनत करूंगा बस मैं हमेशा यही बात कहता हूं और मैग्नेट ब्रेन हमेशा यही कहता हूं कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो 100 परसेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को ताकि आप अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कर सकें डेली बेसिस पे वीडियोस निकाल रहे हैं जैसे मैं क्लास इलेवंथ क्लास ट्वेल्थ ले रहा हूं डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं टीचर ठीक है कई बार वीडियो फाइंड नहीं हो पाते हैं तो हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगा आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइए बेटा एक बार डब्ल्यू आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पर जाएंगे ना आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास ट्वेल्थ तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इसके अलावा कुछ नए कंपटीशन सेक्टर हैं जैसे ओलंपिया डेंटीएससी उस पर भी हम लोग कदम रख चुके हैं और हमारी टीम लगातार उन पर मेहनत कर रही है और नीट और जेई बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे ताकि आप उसमें भी तहलका मचा सकें और आप बहुत मजे के साथ करेंगे नीट और जेई बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले अब आपको जैसे मैं क्लास इलेवन पढ़ा रहा हूँ ट्वेल्थ पढ़ा रहा हूँ आपको डिटेल कोर्स चाहिए डिटेल कोर्स वो पैरल ही चलेगा चिंता नहीं करना है तो आप इलेवेंथ या ट्वेल्थ पे सिंगल क्लिक कर सकते हैं आपको मेरे वन शॉट रिवीजन चाहिए आपको वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे आपको मेरी एम सी क्यू चाहिए जैसे टर्म टू एग्जाम की तैयारी करना है टर्म टू एग्जाम की तैयारी हो जाएगी ठीक है इसके अलावा अगर आप जैसे सिंगल क्लिक करा वन शॉट रिविजन पे तो आपको क्लास एलेवेंथ के क्लास ट्वेल्थ के इसके अलावा जो लोअर क्लासेज है उनके भी वन शॉट रिविजन वीडियो मिल जाएंगे ठीक है मेरे वन शॉट रिविजन आपको सर्च करना है वॉच नाव पे जाइए आप जैसे ही जाएंगे देखिए फुल वन शॉट रिवीजन दो लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट रिवीजन गुरुंग सर अनुराग सर गुरुंग सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया हुआ है आप उस पर जा सकते हैं आपको सारी देखिए सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन पी ब्लॉक 15, 16, 17, 18, हेलो एलेक्न हैलो एरीन ये सारे मिल जाएंगे एल्कोअल्फिनॉल ईथर मिल जाएगा बायोमोलिक्यूल मिल जाएगा और टर्म टू के चैप्टर मैंने अब चालू कर दिए अरे सब कुछ तो मैंने करा दिया और याद है ना आपको हमने टर्म वन कितने बढ़िया तरीके से फोड़ा था ऐसे ही टर्म टू के बाद अपना कॉम्पिटिशन आप एग्ज़ाम में तो हल्का मचा दोगे बस एकदम डिटेल में पढ़ते रहना जितना मैं बताते चल रहा हूँ आपको सिंगल क्लिक करना है आप मुझे पढ़ाते हुए देख सकते हैं ये देखिए हँसता हुआ नुरानी चेहरा काफ़ी दुखी लग रहा हूँ यार कुछ अच्छी फोटो लगवाऊँ अगली बार ठीक है हंसता हुआ नूरानी चेहरा के साथ हम कहानी खत्म करते हैं अब ये जो हमारे फ्री एजुकेशन का मोटो है ना मैं हमेशा कहता हूँ इसे लोगों तक शेयर करिए चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और दिन रात लगे रहिए जैसे कि मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं बिना रुके मैंने वन शॉट आपको दिया है बिना रुके आप लोग भी देखिए और पढ़ते रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए जानकारी कैसे लगी पार्ट टू के साथ मैं बहुत जल्द आता हूं आपके पास तब तक बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ थैंक यू सो मच